आए बज आ रही एक बार प्लीज चेक करके मुझे बता देंगे इफ आर लाइव Okay. राइट सो right, so welcome सारे के सारे बच्चों को बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे और एक बार जल्दी से, से सेशन को शेयर कर दीजिए देखिए मैं भी अभी सेशन शेयर करके आई हूँ तो एक बार जल्दी से, से सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं आपको फ्लेमिंग के आठ चैप्टर जी हाँ फ्लेमिंगो के जो आठ चैप्टर है क्योंकि आज हम फ्लेमिंगो प्रोस रिवाइज करने वाले हैं तो आठों के आठों चैप्टर्स रिवाइज कराने वाली हूँ ठीक है ये जो क्लास आप मेरे साथ करने वाले हो इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको फ्लेमिंगो में वापस एनसीईआरटी उठाकर पढ़ने की जरूरत है अगर आप फ्लेमिंगो के क्वेश्चन लगा लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा ठीक है तो आज जो क्लास है ये क्लास होपफुली फुली uh, मैं इतनी प्रोडक्टिव uh, आपके लिए बना देने वाली हूँ कि आपको अलग से बैठ कर रिवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी क्लास के लिए जो प्री रेपोजिट्स है वो ये है कि एक एनसीआरटी की किताब, अगर आपके पास में हो तो मजा ही आ जाएगा नहीं है तो कोई बात नहीं मैं मेरी किताब लेके आई हूँ और दूसरी अगर आपके पास में कोई नोटबुक है तो भी मजा आ जाएगा क्योंकि आज हम जो रिविजन करने वाले हैं वो केवल और केवल कहानियां सुन के नहीं करने वाले हैं बहुत कुछ लिखना लिखने भी वाले हैं और बड़ा अच्छा रिविजन हम करेंगे हर एक चैप्टर का तो फटाफट से नोटबुक लेकर बैठ जाओ और उससे भी पहले जल्दी से सेशन को कर दो शेयर जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाए यहाँ बताया कि आज हम फ्लेमिंगो प्रोस करने वाले हैं यानी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स आज हम करने वाले हैं आज के क्लास में फ्लेमिंगो की पोएट्री नहीं होगी यानी हम पोम्स आज नहीं करेंगे सिर्फ आठ चैप्टर्स हम करने वाले हैं एंड क्लास के अंदर भी आप हाँ आदित्य अनिकेत क्रेजी आस्था माधव कृष नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे वी हैव साक्षी भव्या रॉबिन ओके ओके सोनाली दिवाकर इश्मीत हाय गुड इवनिंग विभूति हाउ आर यू ओके okay, जल्दी से एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को तो मजा आ जाएगा एंड डोंट वरी जिस तरीके से आज फ्लेमिंगो का रिवीजन हमने किया है करना है वैसे ही हम फ्लेमिंगो पोएट्री और विस्तार का रिवीजन भी करेंगे आप लोग इतने टाइम से वन शॉट्स बोल रहे थे कि मैम एक पूरे के पूरे सेक्शन का वन शॉट हो जाए तो मजा आ जाएगा तो बस वही अभी हम लोगों को करना है यहाँ पे आज हम एक मैराथन लगाने वाले हैं जिसमें आठ चैप्टर्स हम करने वाले हैं बड़ा मजा आएगा एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए बिकॉज देखो यार जितनी आप लोगों के साथ में शेयर करोगे उतनी दुआएं मिलेंगी आपको हां जी हाय रिया हाय प्रीति हाय छवि ओके ऑलरे ऑलरेडी कवर्ड है लाइन बाय लाइन एन मैंने आपके लिए चैनल पे इनफैक्ट आपको यूट्यूब पे हर तरीके का जो चैप्टर को मैं जैसे भी पढ़ा सकती थी ना मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको अगर लाइन बाय लाइन एन चाहिए आपको मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको वन शॉट चाहिए आपको अगर पंद्रह मिनट के अंदर समरी चाहिए पाँच मिनट के अंदर समरी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हर एक चीज़ अवेलेबल है प्ले भी बनी हुई है आपने सिर्फ उठा पढ़ना शुरू करना है आज के इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ नया करने वाले हैं आज हम माइंड मैप्स के साथ में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को ठीक है तो चलो फिर फटाफट से शुरू करें है ना तो आज हम आठ चैप्टर करने वाले हैं पहले अपनी समरी बना लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग करेंगे द लास्ट लेसन द लास्ट लेसन जिसको अल्फोंस उलफ, डॉटेड ने लिखा है इसके बाद में हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग इसके बाद में हम करेंगे डीप वाटर The Rat Trap Indigo Poets and Pancakes The Interview and finally going places ओके फटाफट से एक बार एक बार नजर मार लीजिए आज यही होंगे ये सारे चैप्टर्स आज हम करने वाले हैं जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे चेक स्टिक करते जाएंगे और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए है ना ओके चलिए फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर से द लास्ट लेसन द लास्ट लेसन जिसको ऑलफॉन्स ने लिखा है ठीक है जिसको ऑल्फॉन्स ने लिखा है और नरेट करा है ने जिसके हैं उस स्टोरी को अभी हम रिवाइज करने वाले ठीक है ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके लिए ऑथर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आप अपने आंसर्स को शुरू करते हो तो बढ़िया लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये फ्रेंको प्रशियन वॉर के अंदर स्थित है तो उस टाइम पर ये स्टोरी की पूरी की पूरी स्थित है ये हमें याद रखना है है ना तो ये बात अगर हम याद रखेंगे तो स्टोरी के साथ रिलेट भी कर पाएंगे और आंसर्स भी बढ़िया बना पाएंगे और राइट right, अब स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमें एक छोटे बच्चे फ्रांस के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रांस जो कि इस चैप्टर का नरेटर भी है ठीक है ये जो आ, हमारा कैरेक्टर है ये, ये एक स्कूल गोइंग बॉय है ठीक है तो ज़्यादा कोई बड़ा इंसान आदमी नहीं है छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा है यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है हमें पता चलता है चैप्टर के अंदर कि फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए लेट हो गया है तो वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए और जब वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है तो उसे क्या लगता है डर लगता है बहुत ज्यादा किस चीज़ का डर लगता है उसे डर लगता है कि आज तो एम एम एल मुझे डांटेंगे एम एम एल उसके टीचर हैं और एम एम एल की स्कोल्डिंग से उसे बड़ा डर लगता है उसे ऐसा लगता है कि आज तो एम एम एल मेरे को छोड़ने नहीं वाले हैं आज मुझे MML डांटने वाले हैं और ये डर और ज्यादा तो तब बढ़ जाता है जब उसे ये रियलाइज होता है दो चीजें रियलाइज होती है पहली चीज तो ऑफकोर्स वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है तो उसको डांट पड़ने वाली है क्योंकि वो स्कूल लेट आया है दूसरी इसको डांट इसके लिए पढ़ने वाली है क्योंकि वो पढ़कर नहीं आया है उसको फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में तो इसको फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में तो इस वजह से अब उसको डांट पड़ने वाली है उसने सिर्फ और सिर्फ यू नो ऐसे मस्ती मारी थी स्कूल लेट जा रहा है वहां जाएगा टेस्ट लगेगा पर टेस्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है एनी anyway, इसके बाद में जब ये ऐसा सोचता है तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है और थॉट आता है ऑफ रनिंग अवे और सोचता है कि यार यहां से क्यों ना मैं भाग जाऊं अगर भाग जाता हो स्कूल नहीं जाता हो तो और अच्छा हो जाएगा और इतना अच्छा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि आज तो मौसम भी बड़ा सुहान है बट देन ये जो थॉट है ये थॉट को छोड़ देता है थोड़ा सख्त हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं अभी मेरे को स्कूल जाना चाहिए तो फिर डिसाइड कर लेता है इसको कैंसिल करके थॉट को कि मेरे को क्या करना है स्कूल जाना है अब जब स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में यू नो टाउन हॉल से गुजरता है जब टाउन हॉल से गुजरता है तो वहां पर उसे क्राउड देखने को मिलती है तो टाउन हॉल तक पहुंचता है और टाउन हॉल के पास सामने उसको क्राउड देखने को मिलती है ये जो क्राउड है ये क्राउड जो है वहां पर लगे हुए बोर्ड पे कुछ तो रीड कर रही होती है ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये बुलेटिन बोर्ड हमेशा से मनहूसियत की निशानी है इस पे से हमेशा से बुरी खबरें आती रही है आज भी कोई अच्छी खबर आने नहीं वाली है तो ये बोर्ड से हमेशा और हमेशा बैड

है ना बहुत ही अजीब लग रहा है आज स्कूल बड़ा ही अजीब लग रहा है क्योंकि यूजुअली स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होता है यूजुअली स्कूल के अंदर कमोशन होता है और उसी कमोशन पे उसने पूरा भरोसा किया होता है उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि स्कूल के अंदर कमोशन होता है वो काउंट कर लेता है उस पर एक मिनट काउंटेड ऑन कमोशन उसे ऐसा लगता है कि यार इतने सारे शोरगुल के अंदर मैं तो कभी भी जाकर बैठ जाऊंगा और किसी को पता ही नहीं चलने वाला उस कमोशन पे भरोसा करके तो वहां पर आता है बट उस दिन किस्मत ऐसी होती है उसकी खराब कि उस दिन कोई हसल बसल होती ही नहीं है कोई भी मुद्दा नहीं होता कोई भी कोई भी बातें नहीं कर रहा होता लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे होते हैं लोग रिसाइड नहीं कर रहे होते हैं अपने यू नो you know, लेसन टीचर्स रूलर स्ट्राइक नहीं कर रहे होते हैं सारी मतलब पूरा का पूरा जो स्कूल होता है उस दिन कैसा लगता है एकदम संडे मॉर्निंग जैसा ठीक है तो उसे एकदम संडे मॉर्निंग जैसा वो स्कूल लग रहा होता है एक मिनट तो एकदम संडे मॉर्निंग लगता है उसको लगता है यार मैं छुट्टी पे तो नहीं आ गया हूं यार कहीं किसी दिन तो संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल लग रहा होता है कमोशन पे काउंट करता है उसे लगता है कि यार भरोसा करके मेरे को मैं चुपचाप जाकर बैठ जाऊंगा पर ऐसा कुछ नहीं होता जब क्लास के पास पहुंचता है तो देखता है कि क्लास क्लासमेट्स जो है वो ऑलरेडी उनके सीट्स पर बैठे होते हैं तो देखता है कि क्लासमेट्स ऑलरेडी सिटिंग ठीक है तो ये ये नोटिस करता है कि यार ये लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं इसका मतलब ये है कि इस क्लास ज़रूर शुरू हो गई होगी और अब तो मुझे और ज़्यादा डांट पड़ने वाली है वहां पर ये भी देखता है कि एम जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं तो एम इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसे कि गुस्से में है और आज आ, ये पिटेगा ही क्योंकि उनके हाथ में एक स्केल भी होती है अब कैसे जैसे बेचारा हिम्मत लगा के और अंदर एंटर करने की कोशिश करता है एंटर्स द क्लास वो क्लास में एंटर करने की कोशिश करता है और जब वो क्लास में एंटर करता है तो एकदम ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसको शर्म आ रही होती है इतने सारे लोगों के सामने अंदर एंटर करने में एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी होता है उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कहीं एमएमएल उसे मारे ना कहीं उसको डांट ना पड़ जाए आज तो बिल्कुल उसकी इज्जत का फलूदा होने ही होने वाला है ऐसा वो रियलाइज करता है अब इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में जब वो वहां से गुजर ही रहा होता है अपनी सीट पर जा ही रहा होता है तो इतने में एम बड़े ही पोलाइटली उससे बात करते हैं बड़े ही पोलाइटली उससे बात कर रहे होते हैं ठीक है उसे बोल रहे होते हैं कि अरे कोई बात नहीं आ, तुम लेट हो गए हो जाओ फटाफट से जगह पर जाकर बैठ जाओ अपनी क्योंकि तुम अपनी जगह पर जाकर आ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते थे हम तो इनफैक्ट लेसन शुरू ही करने वाले थे तो अब तुम आ गए हो तो फटाफट से जगह पे जाकर बैठ जाओ अब ये सारी चीज़ें देख वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ठीक है वो जब सरप्राइज हो जाता है तो उसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं पहला रीज़न तो यही होता है कि एम इतने पोलाइट है उसके बाद में उसको ये भी देखने को कि है कि एमएमएल किस तरीके से ड्रेस किए हुए हैं ठीक है तो एमएमएल की ड्रेस लिख देते हैं इसको यूजली एमएमएल नॉर्मल कपड़ों में आते हैं आज वो अपने संडे क्लोथ्स या बेस्ट क्लोथ्स के अंदर आए होते हैं तो ये देखकर वो चौक जाता है इसके बाद में वो ये देखता है कि विलेजर्स जो हैं वो बैक बेंचेस पे बैठे होते हैं तो विलेजर्स बैक बेंचेस पे बैठे होते हैं इस चीज को देख भी उसको चौंक जाता है उसको ऐसा लगता है कि आज कुछ तो अलग है क्योंकि स्कूल भी बड़ा शांत है सारी चीजें स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा सीरियस और सोलम लग रही है उसे लगता है कि स्कूल आज बहुत ही ज्यादा सीरियस और सोलम है ठीक है अब ये नोटिस करके अभी तक वो पूरी तरीके से अपने शौक से बाहर लिखना ही नहीं होता है, इतने में एमएमएल अनाउंस कर देते हैं कि आज ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है तो अनाउंसमेंट हो जाती है दैट ये क्या है द लास्ट फ्रेंच लेसन इसके बाद में फ्रेंच यहां पर नहीं पढ़ाई जाएगी एक्चुअली एम एम एल ये अनाउंस करते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है वो अनाउंस करते हैं कि ऑर्डर आया है कहां से ऑर्डर आया है बर्लिन से ऑर्डर आया है क्या ऑर्डर आया है कि एल्साज और लोरेन के स्कूल में उनके टाउन के अंदर अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी इनफैक्ट अब उनके टाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाने के लिए जो मास्टर है वो कल आ जाएगा जिसका मतलब यह है कि एम की आजाद आखिरी क्लास है इसके बाद वो फ्रेंच यहाँ नहीं पढ़ाएंगे और कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ेगा जैसे ये सारी चीजें हमारा फ्रेंस सुनता है तो एकदम से उसके कान बज उठते हैं उसको थंडर क्लैप सुनाई दे रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में हाँ उसको एकदम से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट महसूस होने लग जाता है उसे ऐसा लगता है कि यार मैंने आज तक पढ़ाई क्यों नहीं करी उसे रिग्रेट महसूस होता है क्योंकि उसने आज तक फ्रेंच को अच्छे से रीड नहीं किया है उसने अच्छे से फ्रेंच को राइट नहीं किया है इनफैक्ट वो कभी भी पढ़ता नहीं था इंस्टेट वो बर्ड्स के बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था ठीक है स्लाइड करने चला जाता था सार पे तो उसको ये सारी बातें याद आ रही होती है एंड एट द सेम टाइम उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं MML को भी मिस करने वाला हूँ उसे लगता है कि एम वैसे तो बड़े क्रैंकी इंसान है बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है बट मैं MML को ऑलरेडी मिस करने लग गया हूं उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि अरे बेचारे एम एम अपने 40 साल की सर्विस जो उन्होंने स्कूल के अंदर दी है उसके ऑनर के अंदर आज अपने इतने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं तो उसे फील होने लग जाता है कि यार एम भी बुरे नहीं है जब वो जा रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी मिस करने लग जाता है उनको इसके साथ साथ में उसको ये भी पता चल जाता है कि आखिरकार विलेजर्स वहां पर क्यों बैठे थे उसे अंदाजा लग जाता है कि वहां पर जो विलेजर्स बैठे हुए थे वो वहां पर इसके लिए बैठे थे क्योंकि उन्हें भी रिग्रेट हो रहा था उन्हें भी ये लग रहा था कि वो स्कूल क्यों नहीं गए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं अपना बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल थे और ग्रेटफुल इसके लिए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार एमएमएल ने चालीस साल अपने जीवन के स्कूल को दिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए हैं और इसके साथ साथ पे वो रिस्पेक्ट वहां पर पे करने आए थे रिस्पेक्ट उस कंट्री के लिए जो अब उनकी नहीं रही थी ये सारी चीजें जब वो सोच रहा

आपको अलग से कुछ और करना पड़ेगा अगर हाईलाइट हाई 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 वाला जुनून वाला क्लासेस कर रहे हो तो उससे काम चल जाएगा तो उसके बाद में उसकी टर्न आ जाती है टर्न टू तो उसकी टर्न आ जाती है पार्टिसिपल को रिसाइड करने की नेचुरली उसको बिल्कुल भी एक शब्द नहीं आता है और इसीलिए वो पहले ही शब्द के अंदर मिक्सअप कर देता है

वो यहाँ पर बता रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उनकी भी गलती है इसके लिए गलती है क्योंकि पेरेंट्स कभी भी इतने ज्यादा एंशियस नहीं थे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाए ऐट द सेम टाइम यहाँ पर गलती है मेरी भी एम कहते हैं मेरी गलती इसके लिए है क्योंकि मैं बच्चों से कभी कभी इधर उधर के काम करा लिया करता था कभी कभी जब मेरा मन करता था फिशिंग जाने के लिए तो मैंने छुट्टी दे दिया करता था और हम लोग की सबकी तो आदतें हमेशा से ऐसी रही है अब हर बार हर चीज को कल पर तो टालते ही रहते हैं है ना तो हम हर बार हर चीज डालते रहते हैं और अब देखना ये सारे के सारे लोगों को ये चांस मिल जाएगा हमें कहने का कि देखो भाई अपने आप को फ्रेंच मैन कहते फिरते हैं ना फ्रेंच लिखनी आती है ना फ्रेंच बोलनी आती है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहां पर हम सबकी गलती है इस सब, इन सारी चीजों के अंदर क्योंकि ना हमने कभी फ्रेंच को इतना ज्यादा तवज्जो दिया और ना ही हमने कभी इतनी यू नो टुमारो की ताकत को आ, कि वो कुछ भी कर सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है इतना भाव दिया इसी वजह से आज देखो टुमारो हमें कहाँ पर लेकर आ गया है तो एम हेम इसके बाद में ये भी बताते हैं कि कोई बात नहीं यार अभी तक जो हो गया वो हो गया है पर हमारी जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है तो एम अपने लव फॉर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं वो बताते हैं कि वो लैंग्वेज को मतलब यू you नो know, वो लैंग्वेज को कितना ज्यादा प्यार करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ज्यादा क्लियरस्ट सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है तो क्लियर ब्यूटिफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है और इसके साथ में वो ये भी बता देते हैं कि हम लोगों को हमेशा इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और ऐसा वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि अगर लैंग्वेज को हम अपने प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो हमारी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि जब तक हमारे पास में हमारी लैंग्वेज है हमारे पास मानो जैसे की चाबी है उस प्रिजन की जिस प्रिजन में आज हम लोग फंसे हुए हैं तो आज हम लोगों से हम लोगों की लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी हमारी कल्चर छीन लिया गया है तो अगर हम लोगों को वापस से हमारी आइडेंटिटी चाहिए तो हमें हमेशा हमारी लैंग्वेज को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा तभी जाकर हम लोगों को हमारी आइडेंटिटी वापस मिलेगी हम फ्रेंच मैन कहला पाएंगे तो ये चीज़ वो बच्चों को समझाते हैं एंड देन उसके बाद में वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वैसे ही यू नो जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब मैं ग्रामर पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद में ग्रामर पढ़ाने लग जाते हैं और ग्रामर जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही होती हैं ऐसा लग रहा होता है फ्रांस बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैं ना पहली बार इतने पेशेंस के साथ में इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था और एमएमएल पहली बार इतने पेशेंस के साथ में पढ़ा रहे थे मतलब वहां पर सारे के सारे लोग इतनी शिद्दत से वहां पर पढ़ाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एम भी सब लोगों को एक ही बार में उनके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें डाल देना चाहते हैं इसके बाद में जैसे ग्रामर कंप्लीट होता है राइटिंग का आ, सेशन होता है उनके अब जब राइटिंग का सेशन होता है तो राइटिंग के सेशन के लिए एम खूबसूरत कॉपीज उनके लिए लेकर आते हैं ऐसी कॉपीज उनके लिए लेकर आते हैं जो कि फ्लैग के जैसी दिख रही होती है ठीक है ऐसे फ्लैग्स की तरह कॉपी दिख रही होती है तो वो कॉपी बच्चों के लिए लेकर आते हैं और बच्चे वहां पर इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं कि अगर बीटल्स भी अंदर आ रहे थे तो किसी को कोई खबर नहीं थी किसी को कोई होश नहीं था सब लोग बस अपने पेन को पेपर पर चलाने पर भरोसा रख रहे थे बेचारे छोटे बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग जानते हैं आपको तो पता ही है उनको अगर आप कोई चीज बनाकर दे दोगे तो उसके ऊपर वो पेंसिल घुमाना जानते हैं वो लोग भी फिश हुक्स को इस तरीके से घुमा रहे थे इस तरीके से ट्रेस कर रहे थे मानो जैसे वो फ्रेंच हो इस लेवल पे यू नो इन सारी चीजों को देखकर और वहां पर बैठे हुए एमएमएल को मोशनलेस अपने चेयर में देखकर एम को मोशनलैस अपनी चेयर पर बैठे हुए देखकर उसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसको पता है कि यार एम एम एल पर बैठकर लिटरली अपने आंखों के सामने अपने 40 साल देख रहे हैं वो 40 साल जो कि उन्होंने सेम स्कूल में सेम क्लासरूम में सेम इन्वायरमेंट में गुजारे हैं वो चालीस साल उन्हें सामने दिख रहे हैं तो उससे इतना गुस्सा आता है कि वो सोचता है कि यार इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये लो हम लोग हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं क्या ये पिजन्स को भी कंट्रोल कर देंगे क्या ये पिजन्स को भी बोलेंगे कि ओ पिजिन सुनो अब तुम तुम भी मन के अंदर कू करो क्या ये पॉसिबल है तो इस तरीके से उस पर गुस्सा निकालता है एनी वे एम वहां पर बैठे होते हैं मोशनलेस और शायद मोशनलेस बैठकर याद कर रहे होते हैं अपने चालीस सालों को अपने आंखों के अंदर मानो जैसे आंखों के अंदर 40 साल को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि बदला क्या है कुछ भी नहीं सामने जो टेबल चेयर्स और ये सब कुछ रखी हुई है केवल ये थोड़ी घिस गई हैं उनका जो गार्डन है वहां पर उनका वॉलनट ट्री बड़ा हो गया है होपवाइन छत तक जा चुकी है इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो वो बस यही सारी यादें कर रहे अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हैं यार इस पॉइंट पे आप सोचो उनके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा ये सब कुछ छोड़कर जाना अगर एम की जगह कोई और होता तो वो ये सोच रहा होता कि यार आखिरकार मैं ये सब कुछ यहाँ पर छोड़कर कैसे चला जाऊं पर एम वहां पर हिम्मत रखते हैं ना तो सिर्फ यहाँ पे उन्हें कल अपना कंट्री छोड़कर जाना होता है बट एट द सेम टाइम उन्हें पढ़ाते पढ़ाते भी सुनाई दे रहा होता है कि उनकी सिस्टर उपर, ट्रंक्स, उनकी सिस्टर ऊपर पेटियां जो है वो बांध रही है किस तरीके से उनके कपड़े बांधे जा रहे हैं और फिर भी वो अपने अंदर उतनी धीरज रखकर एकदम काम होकर लास्ट तक सारे के सारे लेसन को सुनना चाहते हैं जो कि ये दिखाता है कि बच्चों से और आज के इस दिन से कितने ज्यादा जुड़े हुए थे ठीक है इसके बाद में राइटिंग के बाद में उनका हिस्ट्री में एक लेसन होता है और हिस्ट्री के बाद में बच्चे जो है वो अपने वॉबल्स चा, चांट करना शुरू कर देते हैं जब बेबीज चैंट करने लग जाते हैं वॉवल्स तो ऐसे में हॉजर जो है हॉजर भी यहाँ पर उनके साथ में अपनी प्रिमर निकाल कर और पढ़ने लगता है जब वो भी उनके साथ वॉवल्स चैंट कर रहा होता है तो उसकी आवाज़ ट्रैम्पल कर रही होती है कांप रही होती है ऐसा लगता है जैसे कि वो रो रहा है उसकी आवाज़ को उस कपकपाती आवाज़ को सुन के सारे के सारे लोग उस मोमेंट में हंसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही होती है और रोना इसके लिए जाते हैं चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये शायद आखिरी बार है कि ये सब कुछ वो आंखों के सामने देख रहे हैं इन सारे लोगों को अपने सामने देख रहे हैं तो एम एम एल भी कहीं ना कहीं शायद उसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इसी के बाद में चर्च क्लॉक पे बारह बज जाती है वहां पे बारह बजते ही दो काम होते हैं सबसे पहला काम तो ये होता है कि वो लोग अपनी आफ्टरनून प्रेयर करते हैं जिसे हम एंजुलिस कहते हैं और दूसरी चीज ये होती है कि प्रशियन सोल्जर्स विंडो के नीचे आकर ट्रम्पेट ब्लो करने लग जाते हैं ठीक है तो वो वहां पर आकर ये सिग्नल करने लग जाते हैं कि बस खत्म करो हो गया तुम्हारा आज का क्लास ठीक है तो यहां पर वो क्या करने लग जाते हैं ट्रम्पेट ब्लो करने लग जाते हैं हो गया जैसे ये होता है तो अब एम को रियलाइज हो जाता है कि भाई बारह बज चुकी है और आज की क्लास खत्म हो चुकी है अब मैं और नहीं पढ़ा सकता हूँ मुझे जाना ही होगा तो एम डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को एक फेयरवेल स्पीच देंगे जब वो बोलने ही लगते हैं तो कुछ तो उनके गले में अटक जाता है वो एक्चुअली उनके इमोशन ही होते हैं वो रो पड़ते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर बच्चों के सामने इस तरीके से रोए क्योंकि अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे और इसी वजह से वो एक बड़ा सा पीस लेते हैं चौक का और बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं फ्रांस और वो फेयरवेल मैसेज होता है वी वा इसके बाद में वो स्कूल को डिसमिस कर देते हैं और स्कूल खत्म हो जाता है लास्ट लेसन खत्म हो जाता है ठीक है तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमें सिखाता है किस तरीके से हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें सिखाता है कि हमें हमारे रूट से जुड़े रहना चाहिए अगर हम हमारे लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं तो हम हम हैं अगर हम किसी और के कल्चर को अडोप्ट कर लेते हैं तो फिर हम हमारी इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी खो देते हैं ठीक है तो ये आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन आई होप कि अब आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से याद रहेगा है ना ऑल राइट right, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लॉ स्प्रिंग चलो एक बार यहां पे द लास्ट लेसन लिखा हुआ तो है ना द लास्ट लेसन और अब आएंगे हम हमारे लॉ स्प्रिंग बच्चों लॉ स्प्रिंग को अनीस जंग ने लिखा है और लॉ स्प्रिंग के अंदर दो कहानियां हैं एक्चुअली लॉ स्प्रिंग का मतलब होता है स्टोलेन चाइल्डहुड स्टोलेन चाइल्डहुड क्योंकि स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड है लॉस्ट का मतलब हो गया खो गया बट यहाँ पर खोया नहीं है एक्चुअली छीन लिया गया है लॉ स्प्रिंग उन बच्चों की कहानी है जिनसे गरीबी के चलते चलते या एक्सप्लॉयटेशन के चलते उनका बचपन छीन लिया जाता है ये जो कहानी है इस कहानी में दो किरदार हैं क्योंकि दो डिफरेंट स्टोरीज हमारे सामने यहाँ पर आने वाली है पहली स्टोरी है साहिब की साहिब जो कि एक रैग पिकर है और दूसरी स्टोरी जो आपके सामने आने वाली है वो है मुस्क मुकेश की ऐसी होता है ठीक है और मुकेश कौन है एक बैंगल मेकर है है ना तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये दोनों बच्चे किस तरीके से अपने सपनों को फॉलो करते हैं या गिव अप करते हैं ये हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम साहिब की कहानी जो है वो पढ़ने वाले हैं देखो यार साहिब की कहानी की शुरुआत तब होती है जब अनीस जंग उससे पूछती है कि भाई तेरे पास कुछ बेटर करने के लिए नहीं है क्या साहिब अनीस जंग को बता रहा होता है कि वो सिर्फ ये कर सकता है वो स्कूल नहीं जा सकता तो अनीस जंग उससे पूछती है वो कहती है कि भाई तू ऐसा कर तू स्कूल जा तो इतने में साहिब रिप्लाई करता है कि वो स्कूल नहीं जा सकता पर जैसे ही स्कूल बन जाएगा क्योंकि उसकी लोकेलिटी में स्कूल नहीं है पर जैसे ही स्कूल बन जाएगा तो वो जरूर जाएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा ऐसे हंसी मजाक हो जाता है जिसको ऑफ कोर्स साहिब जो है बहुत ही सीरियसली ले जाता है अनीस जंग यहाँ पर कहती है कि यार अगर बाई चांस मैं तेरे लिए कोई स्कूल बना दूं तो क्या तू तो स्कूल में आना पसंद करेगा साहिब आना चाहता है तो साहिब कहता है मैं बिल्कुल आऊंगा और थोड़े ही दिनों के बाद में अनिस जंग के इस जोक की वजह से साहिब उनके पास आता है और आकर उनसे पूछता है कि क्या उनका स्कूल रेडी है ठीक है यहाँ पर यू नो यूरो जंग क्योंकि प्रॉमिस कर देती है मैं देती हूं वो प्रॉमिस कर देती है पर वो ऑफ़ कोर्स अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती है उनके जैसे प्रोमिस न जाने कितने सारे लोग हैं जो साहिब से करते हैं तो ये जो प्रोमिस हैं ये प्रोमिस साहिब के ब्लीक वर्ल्ड में आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे साहिब का जो ब्लीक वर्ल्ड है उसमें न जाने कितने सारे ऐसे प्रोमिस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कभी भी पूरे नहीं होते हैं बच्चों आखिरकार साहिब आया तो आया कहाँ से साहिब की दुनिया ऐसी हुई तो हुई कहां से? साहिब ढाका से बिलोंग करता है ढाका जो कि बांग्लादेश में है साहिब वहां का है उसकी फैमिली और वो 1971 में माइग्रेट कर गए थे 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था और बांग्लादेश में उसकी मम्मी ने उसे बताया बहुत सारे तूफान थे जिसकी वजह से वो बड़े शहर जैसे कि दिल्ली में आकर रहने लगे तो 97 में 1971 के जो माइग्रेंट्स थे उनमें से एक फैमिली जो है वो साहिब की भी थी साहिब तो अब ढाका को मानो जैसे भूल गया है उसके लिए यही उसकी दुनिया बन चुकी है ये दुनिया जहाँ पर वो रैक पिकिंग करता है ठीक है तो अभी यहाँ पर एकदम से आ, आ, साहिब आ, से बात करते करते आ, इतने महीनों के बाद में जंग उससे पूछी लेती है कि यार एक बात तो मेरे को बता कि तेरा नाम क्या है ठीक है तो यहाँ पर फाइनली साहिब अपना नाम बताता है जो कि है साहिब आलम साहिब आलम उसका नाम है ये साहिब आलम जो है ये एक्चुअली आयरनी है अकॉर्डिंग टू अनिस जंग अनीस जंग कहती है कि इसके अंदर आयरनी इसके लिए है क्योंकि साहिब आलम का मतलब है पूरे के पूरे यूनिवर्स का मालिक यानी कि ऊपर वाला जबकि अगर हम साहिब का काम देखें तो वो बेचारा तो एक रैक पिकर है उसका काम तो सिर्फ एक यू नो सिर्फ रैक पिकिंग करना है उसके नाम को शायद उसके नाम के मतलब को अगर उसे बता दिया जाए तो वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि उसके नाम का ये मतलब है एनीवे anyway, इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो साहिब अकेला नहीं है उसके साथ में एक आर्मी है बेरफुट बॉयज की तो बेरफुट बॉयज की आर्मी है ये बेरफुट इसके लिए रहते हैं जब इनसे पूछा जाता है तो ये यहां पर बताते हैं कि हम बेरफुट इसके लिए रहते हैं क्योंकि ऐसा ही हमारा ट्रेडिशन है ऐसा ही हमारा ट्रेडिशन है हम लोग को सबको नंगे पाव ही घूमना होता है पर ये जो बेरफुट बॉयज है ये बेरफुट बॉयज अनिश जन कहती हैं कि, कि किसी मॉर्निंग बर्ड से कम नहीं लगते मुझे ठीक है ये बात पे हम आएंगे बट पहले वो कहती हैं कि ये एकदम मॉर्निंग बर्ड के जैसे लगते हैं मुझे इसके लिए क्योंकि ये लोग ना किस तरीके से सुबह की चिड़िया एकदम सुबह के अंदर चीची चीची करती हुई बाहर निकल कर आ जाती है और जैसे ही बहुत ज्यादा धूप होने लगती है गर्मी होने लगती है तो कैसे कैसे अपने घोंसलों में चली जाती है एग्जैक्टली exactly, ये बच्चे भी सुबह सुबह बाहर आते हैं और दोपहर में जब इनके पाव जलने लगते हैं तो अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं इनसे पूछा कि भाई तुम नंगे पाव क्यों रहते हो तो पता चला कि ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जूते चप्पल इनमें से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और चांस किसी के पास अगर जूते चप्पल है तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानता है अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि बड़ों से कि आखिरकार ये बच्चे बेरफुट क्यों घूम रहे हैं आप बेरफुट क्यों घूम रहे हो तो सब लोग क्या करते हैं ट्रेडिशन को एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं बट जंग को ये लगता है कि ट्रेडिशन एक्चुअली एक एक्सक्यूज है उन्हें लगता है कि ये एक एक्सक्यूज है एक्सक्यूज किस चीज के लिए एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सक्यूज एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी को दिखाने के लिए दिस इज एक्सक्यूज टू Explain away a perpetual state of poverty. बोला कि ये इनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को दिखाने के लिए इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये चप्पल अफोर्ड कर सके इनकी ये हालत है जब वो ये सारी चीजें देखती है तो एकदम से उन्हें एक ऐसे इंसान की याद आ जाती है जो उन्हें अपनी कहानी बता रहा था उडपी से वो इंसान ये बता रहा था कि मेरे पापा एक टेंपल में प्रीस्ट थे और मैं उसी टेंपल में जाकर आ, मन्नत मांगा करता था आ, भगवान के सामने प्रार्थना किया करता था कि भगवान जी मुझे प्लीज एक जोड़ी चप्पल दिला दो एक जोड़ी जूते अगर मुझे मिल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा उसी मंदिर में अगर आप अभी जाकर देखोगे जंग कहती है कि उसी मंदिर में अगर आप अभी जाकर देखोगे तो आज वहीं पर वो प्रीस्ट का बेटा जो है उसके पास में यूनिफॉर्म भी है वो स्कूल भी जा रहा है उसके पास चप्पल भी है उसके पास जूते

उसको बेचारा प्रे किया करता था और शायद उसकी जो प्रेयर है वो दूसरे बच्चे को पूरी हो गई है क्योंकि वो बच्चे के पास में जूते चप्पल सब कुछ है दैट मीन्स एक शिफ्ट आया है लाइफ के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं और पैसे आते ही ये सारे के सारे जो ट्रेडिशन वाली थ्योरी है ये जा चुकी है बट ऐसा सीमापुरी में अभी तक नहीं हुआ है

अच्छा ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है ये आपको ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव आ चुका है लाइफस्टाइल में बदलाव तभी आता है जब आपके पास में पैसे आ जाते हैं तो ये चीज यहां पर हमारे लिए क्लियर है बट ये जो लाइफस्टाइल में बदलाव है ये सीमापुरी के अंदर तो अभी तक नहीं आया है ठीक है तो सीमापुरी में अभी भी सेम चीज चल रही है सीमापुरी में अभी भी ये बदलाव नहीं आया है अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सीमापुरी कहाँ है सीमापुरी जहां पर ये सारे के सारे रागपेकर्स रहते हैं ये एक्चुअली पेरीफरी पे है किसकी पेरीफरी पे है दिल्ली की पेरी पे है ये दिल्ली की पेरेफेरी पर होकर भी दिल्ली से कोसो दूर है दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल है वहां पर डेवलपमेंट है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगर पूरे देश के अंदर कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है तो वो दिल्ली में ही होना चाहिए और ऐसा है भी दिल्ली काफी ज्यादा डेवलप्ड है बाकी सारे महानगरों की तरह बट दिल्ली के अंदर का दिल्ली के ही का ही हिस्सा होकर सीमापुरी में डेवलपमेंट का डी भी नहीं है सीमापुरी के अंदर दस हजार रैपिकर्स रहते हैं यहाँ पे दस हजार रैक पिकर्स रहते हैं और ये जो दस हजार रैक पिकर्स यहाँ रह रहे हैं इनकी लाइफ स्टाइल मालूम है क्या है ये कैसे रहते हैं इनकी इनकी कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब है हॉरेबल लिविंग कंडीशंस है यहाँ पे आप देखो कैसे सबसे पहला तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इनके ट्रांजिट होम्स आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो घर है ये घर कैसे हैं इनके घर बनाए हुए हैं यू नो एकदम मिट्टी के घर बनाए हुए हैं टिन की इनकी छत है आपको यहां पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा आपको यहां पर ड्रेनेज नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर बेसिक चीजें भी नहीं है दस हजार रैकपिकर्स रहते हैं ये जो है ये इनका चलता फिरता घर है ये इनके ट्रांजिट होम्स है ठीक है ये इनका चलता फिरता घर है क्योंकि इन्हें जहां पर भी खाना मिल जाता है ये वहीं पर अपना घर बना लेते हैं ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग कोई भी यू नो एक परमिट के साथ में या फिर हम कह सकते हैं आइडेंटिटी के साथ में नहीं रहते हैं ठीक है तो ये लोग बिना किसी परमिट के या बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं अब जब आप इनसे आकर पूछोगे कि भाई तुम यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के बिना परमिट के रह रहे हो इससे अच्छा तो तुम अपने देश में जाओ जहाँ पर जाके तुम नागरिक हो जहाँ पर तुम्हें परमिट भी मिलेगा आइडेंटिटी भी मिलेगी तुम लोग यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हो हाँ तो ये लोग कहते हैं कि वहां जाकर क्या करें जिस देश के अंदर हमें ग्रेन ही नहीं है खिलाने को उस देश में जाकर हम लोग क्या करेंगे जहां पर आ, यू नो आ, 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 हम लोग को दो वक्त का खाना हासिल नहीं हो पा रहा है इस देश के अंदर हम चाहे कैसे भी रह रहे हैं कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोते हैं हमारे लिए यही मैटर करता है कि रात में पेट नहीं दुखता है क्योंकि भूख लग रही है हम खाना खा के सो पा रहे हैं बट आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि अगर इनके पास परमिट और आइडेंटिटी नहीं है तो ये हमारे देश के अंदर रह कैसे रहे हैं एक्चुअली ये हमारे देश के अंदर इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि इनके पास राशन कार्ड्स हैं ये जो राशन कार्ड है ये राशन कार्ड बाकी लोगों के लिए वोट बैंक बन जाती है जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उनकी वोट बैंक बन जाती है और बेचारे इन लोगों के लिए ग्रेन का जरिया बन जाता है तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस राशन कार्ड से इन लोगों को क्या मिल रहा है ठीक है इन लोगों को मतलब जो बड़े बड़े नेता है उनको क्या मिल रहा है उनको तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हम लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ फूड है तो ये राशन कार्ड से ही ये लोग हमारे देश के अंदर इतने टाइम से रह रहे हैं इन्हीं घरों के अंदर ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये बेचारे बड़े होते होते पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में ये बच्चे इन्हीं घरों के अंदर अपने माँ बाप की मदद कराने लग जाते हैं और सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में सिर्फ एक ही है और वो है रैक पिकिंग अब ये रैक पिकिंग यहाँ पर कर रहे हैं पर ये रैक पिकिंग जो है इतने सालों से इन्होंने करते आए इतने सालों से ये रैक पिकिंग करते रह रहे हैं कि रैक पिकिंग भी अपने आप में एक आर्ट बन चुकी है रैक पिकिंग का सबके लिए अपना एक अलग महत्व है अगर हम रैक पिकिंग की बात करते हैं तो शायद जो एडल्ट हैं उनके लिए रैक पिकिंग क्या है उनकी रोजी रोटी है ठीक है उनकी रोजी रोटी है जबकि अगर हम एक बच्चे की बात करें एडल्ट के लिए Means of survival है, उनकी रोजी रोटी है जबकि यहीं पे अगर हम बच्चे की बात करते हैं बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर है ये किसी तोहफे से कम नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो जब भी रैक पिकिंग करेंगे वहां पे कभी एक रुपया मिल जाएगा कभी दस रुपया मिल जाएगा और अगर रैक पिकिंग करते करते आपको सिल्वर के कॉइन जिस तरीके से मिलते जाते हैं तो रैक पिकिंग करना इंसान छोड़ता नहीं है और वो ढूंढते रहते हैं ढूंढते रहते हैं ढूंढते रहते हैं इसी तरीके से ये लोग रैक पिकर्स बन जाते हैं और ऐसे ही इनका बचपन उसके बाद में गुजरता है अच्छा इसके बाद में हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर आ, अगर यू नो हम बात करें साहिब की और साहिब के जैसे बच्चों की तो यार इन लोगों के नेचुरली इन्होंने पिकिंग को अपना जीवन बना लिया है पर इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि इनके खुद के सपने नहीं हैं साहिब के भी सपने हैं साहिब को ना टेनिस खेलना बड़ा पसंद है साहिब हमेशा एक यू नो एक विंटर मॉर्निंग की बात है जब साहिब एक टेनिस कोर्ट के सामने खड़ा होता है और वहाँ पर खड़ा होकर टेनिस देख रहा होता है जब वो टेनिस देखता है तो वहाँ अनीस जंग आ है। और वो कहती है कि यार आ, आ, मतलब एक, एक लुक देती है उसे तो साहिब बताता है कि इस कोर्ट के अंदर मैं आता हूं। मतलब जब ये खाली होता है कोई नहीं होता तो गार्ड अंकल जो है वो मुझे अंदर आने देते हैं बड़ा खुशी खुशी होकर वो बताता है ये बात इसके बाद में वो बताता है कि यू नो किस तरीके से वो वहां पर झूले झूलता और खेलता भी है शायद कोर्ट के अंदर तो वो जा सकता है पर कभी भी वो टेनिस नहीं खेल पाएगा क्योंकि वो एक लेजर एक्टिविटी है अनिल जंग उसे थोड़ा नोटिस करती है तो वो रियलाइज करती है कि साहिब ने टेनिस के शूज पहने हुए हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साहिब ने टेनिस शूज पहने हुए हैं ये जो टेनिस शूज़ साहिब ने पहने हुए हैं ये शायद किसी ऐसे इंसान ने आ, उसे दे दिए होंगे जो इंसान को एक छेद जो है शूज में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो उसने उसको फेंक दिया और साहिब के लिए जो टेनिस शूज़ है ये ड्रीम कम ट्रू हो गए आपको पता है शायद आ, साहिब का ये सपना तो पूरा हो गया है पर एक चीज तय है कि साहिब कभी भी टेनिस नहीं खेल पाएगा क्योंकि टेनिस जो है वो एक ऐसा गेम है जो कि शायद उन लोगों के लिए है आ, आ, जो लेजर एक्टिविटीज इनके पास पैसा है साहिब जैसा बच्चा एक क्लब में जाकर टेनिस कभी भी नहीं खेल सकता तो शायद ये सपना उसका कभी भी पूरा नहीं होगा इसके बाद में साहिब एक दिन अनस जंग को एक यू नो मिल्क बूथ की तरफ जाता हुआ मिल जाता है जब वो वहां पर जा रहा होता है तो उसके हाथ में एक कैनिस्टर होता है कैनिस्टर देखते ही अनीस जंग को वो बताने लगता है कि वो अब मिल्क बूथ में एक टी स्टॉल में काम करता है वो बताता है कि ये स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग चुका है जहां पर उसे आठ रुपये दिए जाते हैं उसे आठ सौ मिलते हैं और सारी मील्स मिलती हैं एक ऐसा बच्चा जिसे एक रुपया और दस रुपये देख इतनी खुशी हो रही थी उसे आठ सौ रुपये और सारा का सारा खाना देख तो झूम उठ जाना चाहिए पर ऐसा नहीं है साहिब जब यहाँ पर यह चीज बता रहा होता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता कैसे खुश लगेगा साहिब पहले एक बच्चा था जिसका एक झोला हुआ करता था एक बैग हुआ करता था प्लास्टिक का जिसके अंदर वो सारा अपना जो भी बीन के लेके आता था वो सब कुछ फिल कर लिया करता था अपने मन मौजी था जब चाहे घर से निकल जाता था जब चाहे घर पर वापस आ जाता था कोई प्रेशर नहीं था कुछ नहीं था आज उसके हाथ में जो कैनिस्टर है वो कैनिस्टर उस टी स्टॉल के मालिक का है अब वो बंधन में बन चुका है अब वो बच्चों की तरफ फ्री नहीं है अब उसको भी काम करना पड़ रहा है किसी और के अंडर काम करना पड़ रहा है पहले साहिब अपना खुद का मालिक था और अब वो टी स्टॉल पर काम करने लग गया है किसी और के लिए साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा है तो देखो गरीबी के हाथों बेचारे साहिब, साहिब के साथ में क्या हुआ तो गरीबी के हाथों तो में पता चल गया है कि बेचारा साहिब जो है अब अपना ख़ुद का मास्टर नहीं रहा है क्योंकि वो किसी और के लिए जॉब कर रहा है ऐसा ही होता है बच्चों इस उम्र इस उम्र के अंदर जहाँ पर उसे खेलना है उसको मेंटली फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग होना है उस उम्र के अंदर वो बेचारा क्या करने लग रहा है वो काम करने लग रहा है और क्यों क्योंकि उसका उसे पता है कि उसकी फ़ैमिली गरीब है उसे पता है कि अगर वो अभी काम करने नहीं लगेगा तो उसका घर कैसे चलेगा उसका घर नहीं चल पाएगा लोग भूखे सोएंगे अपने घर परिवार वाले लोगों को देखता है हो सकता है कि उसकी भी और मजबूरियां हो सकता है कि परिवार में कोई बीमार भी हो आ, अपना पेट पालने के लिए ये बच्चों को भी बाहर निकाल देते हैं आ, आ, यू नो जब आ, गरीबी आती है तो गरीबी सब लोगों को एक साथ लेकर डूबती है और उसमें बचपन तो सबसे पहले बह जाता है यही कहानी है साहिब आलम की आ, जिस कहानी का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द काबेज अब जो है कुछ ही मिलती जुलती स्टार्टिंग के साथ में आ, येट थोड़ी कॉन्ट्ररी स्टार्टिंग के साथ में कॉन्ट्रोडिक्टी स्टार्टिंग के साथ में हमारी दूसरी कहानी है जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव का, जो कि मुकेश की कहानी है जिसका सपना है एक मोटर मकैनिक बनने का तो अब हम बात करेंगे मुकेश की अगर हम मुकेश की बात करते हैं तो मुकेश एक बैंगल मेकर के परिवार से आता है मुकेश फिरोजाबाद से आता है बैंगल मेकर्स परिवार से आता है मुकेश को अनीस जंग जब देखती है तो मुकेश से वो सवाल पूछती है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो तो मुकेश जवाब देता है दैट आई वांट टू बी अ मोटर मकैनिक बोला कि मैं एक मोटर मकानिक बनना चाहता हूँ मुकेश ये कहता है अब जब ये बात अनीस जंग सुनती है तो एकदम से अनीस जंग को बहुत लगता है इसके लिए लगता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर मुकेश फिरोजाबाद से आता है फिरोजाबाद जहां पर हर एक परिवार सिर्फ बैंगल मेकिंग कर रहा है तो यहाँ पर हर एक परिवार बैंगल मेकिंग कर रहा है हर एक जनरेशन ने बैंगल मेकिंग करी है असल में फिरोजाबाद जो है वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है यहाँ पर आपको चूड़ियाँ देखने को मिलेगी लिटरली सारे के सारे भारत के लिए शायद यहीं पर चूड़ियाँ बनती होंगी और ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर चूड़ियाँ बना रहे होते हैं और यही जनरेशन दर जनरेशन चल रहा होता है अब ऐसे में मुकेश का ये डिसाइड करना कि वो एक मोटा मकानिक बन जाएगा ये एक मिराज से कम नहीं है अनिस जंग तो इसको कहती है कि इसका ड्रीम जो है ये मिराज के जैसा है अकॉर्डिंग टू हिज Dream looms like a mirage. बोला कि ये किसी मिराज से कम नहीं है क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों के अंदर बैंगल बनाते हुए तो लोगों को देखा है ठीक है बट यहाँ पर कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई कुछ और कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है फैमिलीज जो होती हैं वो अपना बिजनेस जो है वो इतना ज़्यादा मैं बता सकती हूँ कितना पक्का कर लेती हैं उस फैमिलीज का जो बिजनेस होता है वो ऐसा जनरेशनल बिजनेस बन जाता है कि अगर आप उसके अलावा कुछ करने की कोशिश भी करते हो तो आपकी फैमिली आपको अलॉ ही नहीं कर रही होती है ऐसे जैसे अभी भी आप देखोगे जैसे यहाँ पर तो चलो कोई बात नहीं फिरोज़ाबाद के अंदर ये लोग लोगों की मजबूरी भी है बैंगल मेकिंग करना ठीक है बट अगर आप नॉर्मली भी देखोगे कि कहीं पर अगर मान लीजिए पेरेंट्स डॉक्टर हैं और अब बच्चे को ये डिसाइड करना है कि उसे कौन सा यू नो स्ट्रीम लेना है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बच्चा क्या डिसाइड कर लेगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है अगर वो डिसाइड नहीं कर रहा है तो ऐसे में उसे ज़बरदस्ती डिसाइड करवा दिया जाएगा ठीक है तो जबरदस्ती डिसाइड करवा दिया जाएगा तो यहां पर exactly एग्जैक्टली ऐसा ही था कि यहाँ पर भी बच्चों को मोटा मैकेनिक ही बनाया जा रहा था क्योंकि दर जेनरेशन दर जेनरेशन वो लोग यही किया करते थे बच्चों यहाँ पर इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे बच्चे यहां पर हो रहा था चाइल्ड लेबर अब ये जो चाइल्ड लेबर है अगर इस चाइल्ड लेबर को देखा जाए तो यहाँ कोई एक दो तीन नहीं बीस हजार बच्चे काम कर रहे हैं और ये बीस हजार बच्चे हजार कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं इनकी वर्किंग कंडीशन तो देखो आप जरा इनकी वर्किंग कंडीशन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये जो बच्चे हैं ये डार्क डिंजी सेल्स में काम करते हैं डार्क डिंजी सेल्स में ये बच्चे काम कर रहे हैं उसके ऊपर से आप देखोगे कि यहां पर ना एयर पहुंचती है ना लाइट पहुंचती है अब ऐसी कंडीशन के अंदर उनके लिए सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, है ना ठीक है क्योंकि यहाँ पर ना तो सिर्फ ये डिंजी सेल्स हैं इसके साथ साथ में बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर पे भी ये लोग काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर भी होता है अब बच्चों जिस कंडीशंस के अंदर ये काम कर रहे हैं आप सोचो कि अगर यहाँ पर लॉ एनफोर्स कर दिया जाए यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि ये बीस हजार बच्चे जो हैं ऐसी कंडीशन में जो काम कर रहे हैं ये इल्लीगल है इंडिया के अंदर इनफैक्ट अगर लॉ यहाँ पर एनफोर्स कर दिया जाए तो ये बीस हजार बच्चे मुक्त हो जाएंगे इस नर्क से ऐसी जगह से ये निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले बच्चे जब तक कि एक्चुअल वर्क फोर्स में आते हैं जब तक कि वो 18 साल के होते हैं और हमारे देश के लिए काम कर पाते हैं कहीं अच्छी जगह पे नौकरी कर पाते हैं तब तक तो उनकी आंखें जा चुकी होती है हम लोग खुद हमारे देश को इस तरीके से हमारे ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जब हमारा फ्यूचर जो है वो इस तरीके से हैंडीकैप होता जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता होता कि ये बीस हज़ार बच्चों की जाने एक्चुअली बच सकती है बट एनी इसके बाद में हमें बताया जाता है कि मुकेश अनि जंग को अपने घर ले जाता है ठीक है बहुत ही खुश होता है जब वो अनिस जंग को अपने घर लेकर जाता है अब यार जरा उसके घर पे थोड़ी दृष्टि हम डाल लेते हैं हम देखते हैं आखिरकार उसके घर का कंडीशन कैसा है सबसे पहली बात तो आप देखोगे कि यहां पर है स्टिंकिंग इसके बाद आप यहां पर देखोगे ये हॉवल्स हैं याने हट्स हैं छोटी छोटी झोपड़ियां हैं कच्चा घर क्रम्पलिंग वॉल्स हैं दरवाजे ऐसे हैं कि अभी एक धक्का मारोगे तो शायद टूट भी जाए बॉबली डोर्स हैं कोई भी विंडो नहीं देखने को मिलेगी आपको और ऐसी सूरत के अंदर एनिमल्स और इंसान साथ रह रहे हैं ऐसी सूरत के अंदर आप देखोगे एनिमल्स और इंसान को एग्जिस्ट कर रहे हैं वही जानवर रह रहे हैं, वही इंसान रह रहे हैं हैं क्योंकि घर इतने छोटे कि बाहर कोई अलग से उनके लिए कुछ बनाया हुआ नहीं है ऐसी सिचुएशन के अंदर मुकेश रह रहा है और ऐसे किसी घर के सामने जाकर वो लात मारता है ठीक है और वहां पे लात मार के एकदम से उसका दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोल के और एंटर हो जाते हैं हम एक हाफ बिल्ड शैक में एक हाफ बिल्ड शैक के अंदर हम एंटर हो जाते हैं आधा अधूरा बना हुआ घर है वो बताती हैं कि वहाँ पर एक कोने के अंदर खाना बन रहा है वहीं पे सारे लोग रह रहे हैं उस कोने के अंदर वहां पर घर की बहू जो है वो खाना बना रही होती है जो कि बेचारी एक यंग फ्रेल वुमन होती है ठीक है तो वो बताती है कि यंग फ्रेल वुमन पूरे घर के लिए खाना बना रही है ठीक है तो यहाँ पे पूरे घर के लिए वो खाना बना रही है और यहाँ पर ट्रेडिशन ऐसा है और पेटरिया की इतने जोर पे है कि जब यहाँ पे कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ जाता है कोई भी आदमी आ जाता है जो कि उम्र में बड़ा है दर्जे में बड़ा है तो वो पर्दा कर लेती है अपने आप को पीछे छुपा देती है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो बड़ा और कोई नहीं मुकेश के पिताजी हैं उनके एंटर होते ही वो भाग अपने आप को छुपा देती है मुकेश के पिताजी पहले टेलर के जैसे काम किया करते थे और उसके बाद वो बैंगल में की तरह काम बैंगल मेकर की तरह काम किया है पर उसके बावजूद भी वो मैं कह सकती हूँ कि अब अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए और ना उन्हें वो जिंदगी दे पाए जो उनको देनी चाहिए थी ठीक है तो वो बेचारे एक बैंगल मेकर है और कोई नहीं ठीक है तो यहां पर हम डाल देते हैं मुकेश के पापा वाली बात कि वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर्स है इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से गरीबी में डूबे हुए हैं पहले उन्होंने कैसे काम किया था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेलर की तरह फिर बैंगल मेकर की तरह और उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए और ना ही उन्हें यू नो एक अच्छा घर दे पाए हैं ठीक है इतना सादा काम करने के बावजूद स्कूल भी नहीं भेज पाए ना तो अच्छा घर बना पाए हैं और ना ही बच्चों को स्कूल भेज पाए अगर कुछ कर पाए हैं तो एक ही चीज है और वो है बैंगल मेकिंग सिखा पाए हैं और बस अब इसी वजह से ये जनरेशन में आगे इसी तरीके से पास होता रहेगा अब जब हम ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन देखते ही हमारे दिमाग में क्या हो जाता है हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि अरे बेचारों की कंडीशन ऐसी है तो ज़रूर इन लोगों को यू नो जब ये लोग ऐसी सारी बातें सुनते होंगे अपनी कंडीशन को शायद बाहर की दुनिया से कंपेयर करते होंगे तो दुख होता होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है अच्छा ये लोग बेचारे ऐसे सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं जहाँ इनकी आंखें जा रही हैं उसके बावजूद भी ये वहाँ पर अभी भी बैंगल मेकिंग करते रह रहे हैं क्यों इसको एक्सप्लेन किया है मुकेश की दादी जी ने तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसको आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इससे कतराते होंगे पर ऐसा नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लिया है ऐसा कहती है मुकेश की दादी जी तो हम मिलते हैं मुकेश की दादी जी से मुकेश की ग्र जो है उनका मानना ये है कि मुकेश के पापा का ये करना बैंगल मेकिंग को इस तरीके से आगे पास ऑन करना और खुद बैंगल मेकिंग करना और कुछ नहीं उनकी कर्म और उनकी डेस्टिनी है पहली बात दूसरी बात वो ये कहती है कि गॉड गिवन लीनियज आज तक टूटी है अरे ऊपर वाले ने जो हम लोगों को बनाकर भेजा है हम वही करेंगे ना तो उनका ये मानना है कि ये गॉड गिवन लीनियज है इसके साथ साथ उनका यह मानना है कि अगर वो लोग जो कि अपने कास्ट में पैदा हुए हैं बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं अगर वो बैंगल मेकिंग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ठीक है तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन के वो बैंगल मेकिंग कर रहे हैं वो है स्टिग्मा ऑफ कास्ट उन्हें ऐसा लगता है कि वो बैंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा हुए हैं तो इसके अलावा वो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो मुकेश की ग्रैंड मदर ने खुद ने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा है और उसके बावजूद अपने बच्चे को अपने पोतों को सेम एक्टिविटी करते हुए देख रही है इन रीजंस की वजह से मुकेश के घर से तो अनिस जंग निकल आती है और फिर रियलाइज करती है कि ये सिर्फ मुकेश के घर की हालत नहीं है ये इनफैक्ट सारे घरों की हालत है ये सारे के सारे लोग एक एक मान लो जाल के अंदर फंसे हुए हैं इनके पास पैसे नहीं है और ये एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुके हैं जहाँ से ये निकल नहीं सकते हैं ऐसा ही वो कुछ देखती है जब उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम है सविता सविता जो कि एक बेचारी छोटी बच्ची है जिसने ड्राप पिंक ड्रेस पहनी हुई है ये जो बच्ची है ये बच्ची भी एकदम मशीन की तरह इसके हाथ एकदम मशीन की तरह चल रहे होते हैं ये बैंगल बना रही होती है एकदम मशीन के टोंग्स की जैसे इसके हाथ चल रहे होते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं ठीक है इस बच्ची की इस बच्ची को पता भी नहीं है कि ये जो चूड़िया वो बना रही है इसका मतलब क्या है उसे नहीं समझ में आती है इन बैंगल्स की सैंक्टिटी ठीक है तो ये सैंकिटिटी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है उसको नहीं समझ में आ रहा है कि बैंगल्स जो है वो इंडियन विमेन का सुहाग है उसे बस इतना पता है कि वो बैंगल्स बना रही है पर ये उसे तब रियलाइज होगा कि वो ये जो बैंगल्स बनाती है इसका मतलब क्या इसका मकसद क्या है जब वो एक दिन ब्राइड बनेगी जब वो क्या बन जाएगी ब्राइड बन जाएगी जब वो खुद दुल्हन बनेगी तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि ये जो चूड़ियां हैं, ये चूड़ियों की सैंक्टिटी क्या है जैसे कि एक बार ब्राइड बनी थी उसके पास में बैठी हुई वो दादी जी वो भी अपने यू नो टाइम पे जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने भी चुन्नी डाली थी यू नो उन्होंने भी मेहंदी लगाई थी और चूड़ियाँ पहनी थी आज उनकी हालत यह है कि उनके हाथों में चूड़ियाँ तो है पर आंखों में रोशनी नहीं है उन चूड़ियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी आंखें गवा दी है उनके हस्बैंड जो है वो वो ये कहते हैं कि यार मैंने अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही चीज मैं कर पाया हूँ और वो ये है कि अपने बच्चों के लिए घर बना पाया हूँ जबकि अगर इस ओल्ड वुमन से पूछते हैं कि भाई आपने इतना लाइफ में बैंगल मेकिंग करा तो आपने क्या कमाया आपको क्या मिला तो ये बेचारी ओल्ड वुमन तो इतना कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया साहेब वो कहती है कि मैंने आज तक जीवन में एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं खाया ये मिला है इसको जबकि इसी का हस्बैंड जो है वो कहता है कि मैं भी जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया हूँ सिवाय ये घर बनाने के जो मैंने बच्चों के लिए बना दिया है जब इनकी बात आप सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद अंकल जी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है क्योंकि ना शायद इस दुनिया के अंदर न जाने कितने सारे लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं उनके पास रहने की जगह भी नहीं है शायद बहुत कुछ ये नहीं कर पाए बट इतना तो कर पाए हैं कि अपने फैमिली के लिए घर बना पाए हैं जिस घर पर लोग रह सकते हैं तो इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया हनीस जंग का जो भ्रम था जो उनको लग रहा था अभी तक सब लोगों को देखकर अब वो टूट चुका है अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि ये लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से और इनके साथ ही अकेले नहीं है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं इनके साथ सारे के सारे बच्चे जो हैं जो यंग टैलेंट है जो हमारे नौजवान हैं ये लोग भी फंसे हुए हैं ये बेचारे इतने टाइम से सेम काम कर रहे हैं कि इनका इनिशिएटिव और सपने दोनों मर गए हैं। हैंड नंबिंग टॉयल ने क्या किया इनिशिएटिव और ड्रीम्स को दोनों को मार दिया है उनसे पूछा बोला ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने आप को कॉपरेटिव में डिवाइड कर लो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों नहीं बना लेते हो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर कोटि बना लेंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर हम लोगों ने बना दी तो हम लोगों को इस तरीके से घसीट कर ले जाया जाएगा पुलिस स्टेशन और ऐसी ऐसी धाराएं हम पर लगा दी जाएंगी कि शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा और हम लोग वापस कभी नहीं आ पाएंगे तो नारे बाबा ना हमको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है ठीक है तो यहां पर वो कॉपरेटिव तो नहीं कर सकते हैं वो यही करने वाले हैं कोई लीडर ही नहीं है उनके बीच में यहाँ पर भी लिख देती हूँ तो उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि उन लोगों को एक डिफरेंट परसेप्शन दे सके जो उनके लिए लड़ाई कर सके ये बेचारे सारे के सारे लोग जो हैं वो थक चुके हैं इतने ज्यादा जितने ज्यादा उनके माँ बाप थके हुए हैं उनके अंदर अब लड़ने की क्षमता नहीं है जब इन लोगों को देखते हैं ये देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग टायर्ड हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा टायर हो चुके हैं कितने ज्यादा थक चुके हैं तो ये पूरी सिचुएशन को देख कर ना दो ही तरीके की दुनिया हमारे सामने आती है तो जब ये पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि यहां पर दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है और ये जो दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है ना ये पता है किस किसके हैं ये दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड में एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे बैंगल मेकर्स ये बैंगल मेकर्स वो बैंगल मेकर्स जो की पावर्टी यानी गरीबी के हाथों और इसके साथ में स्टिग्मा ऑफ कास्ट के हाथों बैंगल मेकिंग करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेंगे वो लोग जिन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत करी है जी हाँ वो लोग जो साहूकार से लेकर पॉलिटिशियन तक जाते हैं ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत करी है आसान भाषा में जिन्होंने जाल बुना है ठीक है तो इन्होंने एक्सप्लोइटेशन की शुरुआत की है अब जब हम ये दो दुनिया देखते हैं एक तरफ बंगल मेकर्स की दूसरी तरफ इन पॉलिटिशियंस की मिडिल मैन की साहूकार्स की इन सारे लोगों की जो बंगल मेकर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमें बीच में फंसा हुआ बच्चा मिलता है बीच में फंसा हुआ सिर्फ एक ही इंसान मिलता है और वो है बच्चा इन दोनों के बीच में एक ही एक ही एक ही यू नो तरीके के लोग फंस रहे हैं और वो है बच्चे क्योंकि बच्चों को ये तो समझ आ नहीं रहा है कि गरीबी क्या होती है उनको नहीं पता है कि स्टिग्मा ऑफ कास्ट क्या होता है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि साहूकार और पोलिटिशियंस का बनाया हुआ ये विशेष सर्कल क्या है <laughs> <laughs> तो ये दोनों समझ नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में पिस कौन रहा है ये बच्चे पिस रहे हैं इन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है उससे पहले तो ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं ये रियलिटी एक्सेप्ट कर चुके हैं ये इस बात को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यार हम तो बैंगल मेकिंग ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन बच्चों को और कुछ सिखाया भी नहीं जाता इन बच्चों को हिम्मत करना नहीं सिखाया जाता क्योंकि अगर फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग को छोड़कर कुछ और करना है तो उसके लिए हिम्मत लगेगी और इन बच्चों को हिम्मत सिखाई नहीं जाती ये बर्डन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इनको नहीं पता है कि हिम्मत कैसे करनी है अपने राइट्स के लिए कैसे बोलना है उनके राइट्स होते क्या है उन्हें नहीं पता है और इसीलिए बैंगल मेकिंग जो है ये करने लग जाते हैं अब जब ये हिम्मत जो है उन्हें मुकेश के अंदर देखने को मिलती है जब वो देखती हैं कि मुकेश जो है वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है उसने ये हिम्मत करी है कि मैं बैंगल मेकिंग नहीं करूंगा मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा तो अनिस जंग खुश हो जाती है अनिस जंग को लगता है कि यार ये जो बच्चा है ये कुछ नया कर सकता है तो इसीलिए वो खुश हो जाती है जब वो ये हिम्मत के फ्लैश को मुकेश में देखती है वो मुकेश को टेस्ट करने के लिए उससे पूछती है कि मुकेश को क्या आ, प्लेन उड़ाना भी पसंद है क्या वो प्लेन उड़ाएगा यंग इज हैप्पी टू सी मुकेश डिमिन ठीक है इस डिटर्मिनेशन को टेस्ट करने के लिए वो उससे क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन साफ था क्वेश्चन में वो पूछती है कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन मुकेश को पता ही नहीं है कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं प्लेन क्या होता है और क्या वो वो करना भी चाहता है या नहीं मुकेश ने जीवन के अंदर प्लेन देखे कितने हैं उसने फिरोजाबाद के अंदर सिर्फ गाड़ियां जाते हुए देखी है तो उसे मोटर मकैनिक ही बनना है उसे प्लेन नहीं उड़ाना है और इसीलिए मुकेश कहता है नहीं आई वॉन्ट टू बी मोटर मकैनिक साथ चैप्टर लॉस स्प्रिंग आपका हो जाता है कंप्लीट ठीक है अब आ जाएंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है डीप वाटर चलिए डीप वाटर को विलियम डगलस ने लिखा है ये कहानी है डर की जैसे बहुत ही गहरा पानी ही होता है ना हाँ मैं आपके लिए ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आप वैसे साथ में लिखेंगे तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा आप जो समय यहां पर मेरे साथ में इस को रिवाइज करने में लगा रहे हैं उसमें साथ साथ बैठकर लिखते भी जाएंगे तो वापस फ्लेमिंगो का प्रो सेक्शन उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तो अगर हम डीप वाटर की बात करें विलियम ने इसे लिखा है विलियम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स उसके अंदर एक इंसिडेंस का जिक्र किया जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बचपन के अंदर उनके मन में एक डर बैठ गया और वो जो डर था वो डर था पानी को लेकर और उस डर ने उन्हें कैसे शेप किया ठीक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन है तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि यहां पे हमें आय बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है ओके okay, विलियम ये डीप वॉटर की शुरुआत कहां से होती है डीप वॉटर की शुरुआत होती है जब विलियम डगलस जो है प्लान करते हैं कि मेरे को क्या करना है स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग सीखने के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं वाईएमसीए पूल में जाना चाहता हूँ वाई पूल में इसके लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वो सेफ है जबकि याकिमा रिवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है तो वाई पूल सेफ था इसी वजह से वो वहां जाना चाहते थे वाईएमसी पूल का चुनाव करने के बावजूद याकिमा रिवर को लेकर उसकी मम्मी बहुत बार उन्हें बताती रहती थी कि याकिमा रिवर कितनी ज़्यादा अनसेफ है यहाँ पर तो स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने आ, यू नो एक नया पेयर ऑफ वाटर विंग भी ले लिया था और जब वो वाई पूल के अंदर स्विमिंग सीखना शुरू कर रहे थे जब वो आ, पानी में जा रहे थे तो ऐसे में ये जो ये जो पूरा उनका प्लान है इस प्लान से पुराना अवर्जन जो है वो उन्हें याद आ गया उनका जो चाइल्डहुड फियर या अवर्जन था वाटर का वो रिवाइव हो गया असल में बात ये है कि वो लगभग तीन या चार साल के रहे होंगे जब वो अपने पापा के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे डूब गए थे और वो इंसिडेंट की वजह से उनको पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा डर जो है वो मन में बैठ गया था अब क्योंकि वो पानी में यहां पर आए थे तो एकदम से वो डर भी वापस आ गया बट अभी वो उस डर को कंट्रोल कर पा रहे थे और इसीलिए इसके बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया स्विम करने का स्विम करने के लिए वो बच्चों को एप यानी के कॉपी करने लग गए और बाकी लोगों को देखकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी के साथ में फेमिलरिटी लाना शुरू कर दिया अभी तक वो पानी को लेके इतना ज्यादा फेमिलियर हुए ही नहीं थे कि इतने में एक मिस एडवेंचर हो गया ये मिस एडवेंचर तब हुआ था जब एक बार पूल एकदम खाली था और डगलस वहां पर पूल के किनारे बैठकर इंतजार कर रहे थे बाकी लोगों का आने का ताकि बाकी सारे लोग भी वहां पर आ जाएं और वो उनके साथ स्विमिंग कर पाए और डरने का कोई खतरा ही नहीं रहे ठीक है और जब वो इंतजार कर रहे थे तो वहां पर एक बुली जैसे दिखने वाला बच्चा आया जो अट्ठारह साल के लगभग था और वो वहां पर आकर उसे उठाकर पूल में फेंक देता है ठीक है तो मिस एडवेंचर होता है उठाता है और उठाकर पूल के डीपर एंड में फेंक देता है अब यहाँ पर पूल के डीपर एंड में जा रहे होते हैं डूब रहे होते हैं उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि उनके रिफ्लेक्सेस काम करें और वो अपने आप को बचाएं। इनफैक्ट जब वो डूब रहे होते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन के अंदर डूब रहे हैं आप सोचो ठीक है तो वो डूब भी रहे हैं, तो सिटिंग पोजिशन के अंदर <coughs> यार अब कोई इंसान जब डूबेगा तो नेचुरल सी बात है कि वो डर जाएगा और डगलस के साथ भी यही हुआ डगलस डर तो गया था पर इतना ज्यादा नहीं डरा था कि अपना सुदबुद ही खो दे वो फ्राइटेंड तो था एक मिनट पर इतना भी नहीं था कि दिमाग ही ना चले सुदबुद खोते ऐसे में नीचे जाते जाते उसने एक प्लान बनाया और वो जो प्लान था वो प्लान था रेस्क्यू अपने आप को बचाने का प्लान असल में ये था कि वो पूल के बॉटम पे जाकर हिट करेगा यहां पर जैसे ही वो आकर डूबता है तो इतने में वो एक छलांग मारेगा और छलांग मार के पूल के सरफेस पे आ जाएगा यहाँ पर आके यहाँ से तैरना शुरू करेगा और तैरते तैरते यहाँ पे इसके एज तक पहुंच जाएगा और सेफ हो जाएगा तो उसने देखा कि पहले मैं डूबूंगा मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा मैं एक छलांग मारूंगा, मैं सरफेस पे आऊँगा पैडल करूँगा और पूल के एज पर पहुँच के सेफ हो जाऊँगा अब ये प्लान तो तब सक्सेसफुल होता जब वो टाइम तक नीचे आ पाता वो नीचे डूबे ही जा रहा था डूबे ही जा रहा था डूबे ही जा रहा था, जा रहा था और जब तक कि वो डूब रहा था तब तक वो इतना पानी सोलो कर रहा था इतना पानी उसके लंग्स के अंदर चला गया था कि शायद अब उसके अंदर उतनी जान तका तक नहीं बची थी कि वो अब और कुछ कर पाता ठीक है उसके लंग्स एकदम एकदम इस कगार पर आ गए थे कि बस फटेंगे अब उसके लंग्स तो फटने के लिए तैयार थे पर इतने में वो नीचे आ गया और जैसे ही वो नीचे आया उसे याद आया कि उसे एक फटाफट -भट से जंप मारना है और वो ऊपर आ जाएगा एकदम कॉक के जैसे अब जैसे ही उसने जंप किया तो उसको लग रहा था कि वो कॉक के जैसे ऊपर आएगा इंस्टेड ही केम अप स्लोली ठीक है और जब वो यहाँ पे ऊपर आ रहा था धीरे धीरे तो अभी तक तो पूरी तरीके से उसकी बॉडी बाहर आई नहीं थी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आंखें ठीक है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आंखें बाहर आ रही थी उसके नाक बाहर आ रहा था अभी भी उसकी बॉडी पानी के अंदर ही थी Eyes and nose were out of water. पर अभी भी उसका आ, हम कह सकते हैं कि उसकी आ, पूरी की पूरी बॉडी नीचे थी वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया था आसपास चीज़ें ढूँढ रहा था कुछ पकड़कर तिनके का सारा लेकर ही बच जाओ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उसने सरफेस पे फ्लेल भी किया बहुत छपाक छपाक किया कुछ भी नहीं हुआ वो आगे मूव नहीं किया ऐसे टाइम पर वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी बॉडी जो है वो काम करने लग जाए पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम से उसका जो एक मिनट लेग्स एंड आर्म्स पर फ्रोजन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जम गए हैं ही नहीं रहे हैं लेग्स को ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा था ऐसा लग रहा था नीचे की तरफ कोई बहुत जोर से खेच रहा है Dead weights की जैसे महसूस हो रहे थे, है ना तो नीचे कोई ग्रेट फोर्स कर रही थी तो अभी ऐसा फील करते करते वो सेकेंड टाइम डूब जाता है ऑन हिज वे टू द बॉटम सेकेंड टाइम तो सेकेंड टाइम अब नीचे जा रहा है और अभी जाते ही जा रहा है अभी उसको पसंद नहीं आ रहा है अब उसको पता है है कि उसका प्लान फेल हो गया है और प्लान काम नहीं कर रहा है तो वो और ज्यादा इनफैक्ट बहुत ज्यादा डरने लग रहा था ठीक है बट उसको उसका प्लान बहुत अच्छे से याद था ठीक है उसे प्लान अच्छे से याद था ही रिमेंबर्ड स्ट्रैटी इसीलिए ना पता है क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में थी इसी वजह से वो इतना ज्यादा नहीं घबराया अभी भी उसे लगा कोई बात नहीं अभी तक काम नहीं किया अब तो कर जाएगी इंतजार कर रहा था इंतजार कर रहा था कब नीचे जाऊंगा फिर से एक बार जंप मार कर देखता हूँ शायद सारी चीजें ठीक हो जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उसके आर्म्स काम नहीं कर रहे थे उसके लेग्स काम नहीं कर रहे थे उसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है सब कुछ एकदम फ़ियर की वजह से जम चुका था ठीक है उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी विथ फ़ियर। अगर उसे लग रहा था कि वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ उसे वो महसूस कराने के लिए उसका हेड और उसका हार्ट था उसका दिल और दिमाग था जो कि कहीं ना कहीं जिंदा था अदरवाइज वो दुख 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 कर रहा था अदरवाइज पूरी बॉडी उसकी बात ही नहीं मान रही थी ना हाथ चल रहे हैं ना पांव चल रहे हैं कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो मैं मर गया हूं बस ये जो है मेरे दिल में धड़कन जो है दिमाग में दुख 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 जो हो रहा है बस तो ये चीज मुझे बताया जा रही है कि नहीं है अभी जान बची है हमें ठीक है तो ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ऐसा उनको फील हो रहा था और इतने बीच में वो वापस से बॉटम पे आ जाते हैं अगेन है ना यहां अगेन लिख दे रही हूं उसके अंदर जितनी जान बची हुई थी उसके साथ में उसने फिर से जंप लगाया अब इस जंप से कुछ होने वाला था क्या बच्चों कुछ नहीं होने वाला था कोई डिफरेंस नहीं हुआ अभी भी दूर दूर तक आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा वो पानी और वो डर्टी येलो टिन जो कि ऑफ कोर्स उसे सनलाइट की वजह से दिख रही थी वाटर ही दिख रहा था उसे हर जगह पे अब तो उसे पता चल गया था कि यार अब मेरी हालत जो है ना वो खराब होने वाली है ये जो प्लान मैंने बनाया था ये तो हो चुका है पूरी तरीके से फ्लॉप ठीक है बच्चे तो अभी अपन है नहीं समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा क्योंकि इसके बाद में भी ना उसकी आंखें और नाक बाहर आ गया था अभी भी बॉडी नीचे थी और ऐसे में अब उसका तीसरी बार डूबने का उसका उसने तैयारी कर लिया था ठीक है इसके बाद में अब वो तीसरी बार डूबने वाला था क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था उसकी तरफ से पूरी कोशिश उसने कर ली थी कोई फायदा नहीं हो रहा था है ना तो अभी वो नीचे जाने लग रहा है तीसरी बार ही स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम बच्चों अब वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उतना ज्यादा डर उसके अंदर आ गया था इतना ज्यादा डर उसके अंदर घुस गया था कि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतने में धीरे धीरे वो बेहोश होने लगा वो डिजी फील करने लग रहा था ठीक है एकदम से वो डिजी फील करने लग गया और वो बेहोश हो गया ही गॉट अनकॉन्शियस अब अनकॉन्शियस यहां पे हो गया था या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस दी ओब्लिवियन ओब्लिवियन का मतलब भी वो एक कीवर्ड मिल जाएगा उसका मतलब भी अनकॉन्शियस ही होता है ठीक है है ना और उसे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद तो अब उसकी मौत हो चुकी है उसका जितना भी काम था इस धरती पर वो पूरा हो चुका है पर ऐसा नहीं है अपने इसके बाद उसने अपने आप को पूल के बाजू में पाया वॉमिट कर रहा था वॉमिटिंग बिसाइड पूल। उसने देखा कि वो वहां पर एकदम ऐसे पेट के बल लेट के उल्टियां कर रहा है तो पूल के बाजू के अंदर वो एकदम उल्टियां कर रहा था यानी कि किसी ने उसे बचा लिया था जिस इंसान ने उसे बचाया था उसने उस अठारह साल के बुली को फटकारा और बोला कि यार तेरे को शर्म नहीं आती ये जो बच्चा है ये बच्चा ऑलमोस्ट मर गया था तूने इसको उठाकर वहां पर फेंक दिया इसको कुछ हो जाता तो यहाँ पे वो बच्चा उसको बिल्कुल भी सच में शर्म नहीं थी क्योंकि उस बच्चे ने यहाँ पर मालूम है क्या रिप्लाई किया उसने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था एक मिनट हम्म तो यहाँ पे उसने सोचा कि उसने तो बोल दिया मैं तो मजाक कर रहा था मुझे क्या पता था कि ये इस तरीके से डूब जाएगा और मरने के पे आ एनी एनीवे anyway, इसके बाद में डगलस को लॉकर रूम पर ले जाया गया बच्चों लॉकर रूम पे ले जाकर डगलस इतना ज्यादा डर से भर चुका था कि शायद लॉकर रूम से अपने घर पर जाने में उसे लग गए थे और जब वो घर जा रहा था ठीक है जब वो घर गया तो उस रात तो ना तो सो पाया था ना ही उसने कुछ खाया था ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था इसकी वजह से वो मेंटली, फिजिकली ट्रॉमेटाइज हो गया था ठीक है तो ये इसके बाद में ही डिड नॉट ईट चीख रहा था चिल्ला रहा था थोड़ा सा भी एग्जर्शन हो रहा था चीख चीख के उठ रहा था तो ये जो इंसिडेंट था इस इंसिडेंट के चलते वो मेंटली और फिजिकली अफेक्ट होने लगा था अब यार यहाँ पे ये चीज़ वो कहीं ना कहीं रियलाइज तो कर रहा था कि यार मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है पानी से और क्योंकि ये ये इंसिडेंस ऐसा था कि मैं इतना एग्जर्शन झेल के आया हूँ कि थोड़ा सा भी अगर उसकी बॉडी पे प्रेशर आता तो उसके पाव जो है पूरी तरीके से जम जाते और वो एग्जैक्टली exactly उस डर को फील कर पाता जो डर उसने वहां पर फील किया था ये एक हैंडी उसके साथ में बन गया था ये जो हैंडी था इसकी वजह से शायद वो और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था बट एक बात तो थी कि पानी के पास तो वो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा था जब उसे लोगों ने बताया था बट वो नहीं बन पाया उसे पानी से बहुत लगता था तो वो सोच रहा था वॉटरफॉल में जाने का कहा जाने का सोच रहा था मैं बता देती हूँ यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूं, एक के बारे में पहले यहाँ पर लिख देती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर पाया वो पानी के कहीं पर भटक भी नहीं सकता था अब देखो वो कहाँ नहीं भटक पाया सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई वो वॉटरफॉल्स में नहीं जा सबसे पहले तो वॉटरफॉल्स में कैस्किट्स के वॉटरफॉल्स ठीक है इसके बाद में वो यहाँ पे आ, वेडिंग भी नहीं कर पाया था बम्पिंग रिवर या टाइटन रिवर में ठीक है तो वेडिंग भी नहीं कर पाया था ये जो बच्चे हैं ना जो लिख नहीं रहे साथ साथ में बात बात कर रहे हैं इधर उधर पूछ रहे हैं खाना खा लिया कि बाबू शो ना करना छोड़ दो तुम हो जाएगी बाद में कर लेना बाबू जो ना बाईस तारीख को पेपर है तुम्हारा डर नहीं लगता तुम्हें खौफ नहीं आता बिल्कुल भी टाइटन या और बंपिंग रिवर बच्चों इतना ही नहीं वो वार्म लेक में नहा नहीं पा रहा था कहीं और आ सकता है कि ये याद रखने वाली चीज है ये लिखना है ये मेंशन करना है अगर इसमें इससे जुड़ के कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ऐसा अच्छा इसके साथ में आप देख रहे हो फिशिंग पे भी नहीं जा पा रहा था इसके बाद में आपको ना यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके अंदर अलग अलग तरीके के फिशेस के बारे में बताया हुआ है जैसे अगर आप पेज निकालेंगे ट्वेंटी सेवन जस्ट मिनट तो आपको यहाँ सैमन के बारे में बताया बैस के बारे में ट्राउट फिशिंग के बारे में आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिशिंग लिख दोगे कि भाई ये एक्टिविटीज वो नहीं कर पाया था तो फिशिंग लिख दोगे तो काम चल जाएगा इसके साथ में आपको केनोइंग बोटिंग और स्विमिंग भी लिखना पड़ेगा तो ये बात ये चीजें याद रखोगे की ये चीजें वो हैंडी की वजह से नहीं कर पाएगा तो उससे काम चल जाएगा तो मैंने आपको बताया था इसके बाद में हम लिखेंगे कैनोइंग कैनूज में नहीं जा पा रहा था बोटिंग नहीं कर पा रहा था और स्विमिंग तो कतई नहीं कर पा रहा था ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो है ये एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ये वॉटर को इन्वॉल्व करती थी और उतने गहरे पानी को इन्वॉल्व करती थी जितने गहरे पानी में वो डूब चुका था इनफैक्ट उससे भी ज्यादा ठीक है तो इस वजह से उसका ये जो हैंडीकैप है हैंडी हैंडीकैप उसे डिप्राइव कर रहा था वंचित रख रहा था ये सारी एक्टिविटीज करने के जॉइस है अब यार ऐसे में आपके पास दो ही चॉइसेस आती है पहली चॉइस आपकी क्या आती है कि यार आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि मैं अब जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकता मेरे से अब मैं कभी भी वाटर में नहीं जा पाऊंगा मैं रिवर्स में नहीं जा पाऊंगा मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा तो पहली चीज तो ये है दूसरी चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है इसके साथ में फाइट करना तो इसीलिए उसने फाइट करने का डिसाइड किया और एक अक्टूबर उसने हायर कर लिया एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को ठीक है तो अक्टूबर उसने हायर कर लिया एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को देखो यार इंस्ट्रक्टर को बड़े अच्छे से पता था कि डगलस के दिमाग के अंदर ये डर कितना गहराई से बैठा हुआ है इसीलिए इंस्ट्रक्टर ने पीस बाय पीस उसे स्विमर बनाने का सोचा यार देखो सबसे पहले तो उसने उसको पानी के साथ फमिलियर किया विद दी हेल्प ऑफ रोप बेल्ट एंड पुली उसने क्या किया उसने डगलस के वेस्ट पे एक बेल्ट लगाया जिससे एक रोप अटैच थी जो कि एक पुलिस से होकर इंस्ट्रक्टर के हाथ में आती थी इसकी वजह से वो जब भी चाहे इस रोप को खेच के डगलस को पानी से बाहर निकाल सकता था और इस रोप को छोड़कर डगलस को पानी में डाल सकता था अब ये जो एक्टिविटी है ये महीनों तक चली चली तब जाकर डगलस को पानी के साथ में थोड़ा फेमिलियर फील हुआ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई उसके बाद डगलस को इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज भी सिखाई गई जिसे वो न जाने हंड्रेड ऑफ टाइम किया करता था ठीक है इसके बाद में जब ये भी उसने सीख लिया था तो उसे किक करना सिखाया गया उसे किक्स करना सिखाया गया या कह सकते हैं पैडल करना सिखाया गया तो उसको एज ऑफ द दुल पे पकड़कर उसे बोलते थे कि भाई तुम पैडल करो बहुत टाइम तक तो वो पैडल कर ही नहीं पा रहा होता था क्योंकि वो जब भी पैडल करने की कोशिश करता था उसके पाव उसकी बात ही नहीं मानते थे बट थोड़े टाइम के बाद में वो इन्हें कंट्रोल करने लगा एंड ऑफकोर्स फिर यू नो पाव भी उसकी बात मानने लग गए वो अब रिजिड नहीं थे अब देखो किस तरीके से उसने इतने सारे हिस्सों में जाकर उसे स्विमर बनाया तो हम कह सकते हैं दस पीस बाय पीस वो स्विमर बन गया था यार इंस्ट्रक्टर का काम कब से कब तक था इंस्ट्रक्टर का काम अक्टूबर के अंदर शुरू हुआ और इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल के अंदर कह दिया था कि भाई ये लो हो हो गए तुम 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 का तुम फ्री हो गया तुम्हारा काम तुम अब स्विम कर सकते हो तुम्हें जो स्ट्रोक मारने तुम वो स्ट्रोक मारो तुम्हें जो जैसे स्विम करना है वैसे स्विम करो इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे अप्रैल में खत्म हो गया था पर डगलस का नहीं हुआ डगलस ये सोच रहा रहता था कि यार अभी तक तो इंस्ट्रक्टर था और क्योंकि इंस्ट्रक्टर था इस वजह से मैं डूबा नहीं वॉट इफ इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद मैं डूब जाऊं हाँ जी ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि यार अभी तो वो पुली था उसके पास में अभी तो वो यहाँ पर खड़ा हुआ था अगर मुझे अकेले स्विम करना हुआ और अगर इंस्ट्रक्टर या कोई भी पास में नहीं हुआ और मैं डूब गया तो इसी वजह से उसने पूल के साथ में पूल के अंदर स्विमिंग करना शुरू कर दिया तो डगलस कहता है कि वो फिनिश हो गया था पर मैं नहीं मैं उसका काम कंप्लीट हो गया था पर मेरा नहीं हुआ था है ना वो पूल में जाता है और वहां पे एकदम से उसको टाइनी वेस्टेजेस आते हैं टेरर के फिर से थोड़ी थोड़ी झलकियां टेरर की आती है पूल पे जाने पे महसूस होता है जैसे कि वो फिर से डूब रहा है उसकी सांसें फिर से रुक रही है है ना तो ये उसको कंटिन्यूसली uh, वहाँ पर महसूस हो रहा होता है बट इस बार वो टेरर का सामना करता है और उसको बोलता है बोलता है अच्छा मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है ये ले और फिर वो पूल की लेंथ वहाँ पर कंप्लीट uh, करके आता है तो ये टाइनी वेस्टेजेस तो आती हैं पर वो इनसे बात करने लग जाता है बात करने लग जाता है बेसिकली वो एक्सेप्ट करने लग जाता है इसका सामना करने लग जाता है ठीक है तो यहाँ पे वो एकदम से ऐसे टेरर वहां से चला जाता है अब यार एक बार ऐसा हुआ है तो उसके मन में आता है कि शायद ऐसा बार बार हो सकता है हो सकता है जितनी बार मैं अकेला जाऊं पूल में या किसी भी वाटर बॉडी के पास में उतनी बार मेरे साथ ऐसा हो है ना इसीलिए वो बार बार जुलाई तक ये करता रहा अप्रैल में उसने शुरू किया अप्रैल में इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद में उसने ये शुरू किया और ये जुलाई तक चलता रहा ये पूल वाला सिलसिला जुलाई तक चलता रहा वो ट्राई करता रहा कि भाई अभी अभी तो नहीं फील हो रहा अभी तो फील नहीं हो रहा वो ये 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 देखता रहा अब जुलाई के बाद में भी उसने रियलाइज किया कि ये तो पूल था इस वजह से चलो मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया अगर और कोई वाटर बॉडी हुई तो तो जब उसके दिमाग में वो आया तो उसने सोचा अब और कोई वाटर बॉडी अगर सामने आएगी तो उसके साथ में मेरे को क्या करना है इसीलिए वो चला गया लेक वेंटवर्थ बाद में वो जाता है लेक जो कि न्यू एम्शायर में अब जब ये वहां पर जाता है तो वहां पर भी ये डाइव ऑफ करता है छलांग लगाता है और वहां पे स्विम करना शुरू कर देता है ठीक है दो माइल तक स्विम करता है और जैसे ये स्विम कर रहा होता है तो वहां पे एक बार फिर से वो डर वापस आता है और जब वो बीचों बीच होता है तब वो डर वापस आता है तो वो जब पानी के बीचों बीच होता है लेक के बीचों बीच होता है जहाँ बहुत ही गहरा पानी है तब उसको फिर से वो डर महसूस होता है और फिर से वो उस डर से वही बात कहता है उसका सामना करता है और वो डर गायब हो जाता है मिडिल ऑफ द लेक में और इधर यहां पे मिडिल ऑफ द लेक में वो वापस आया और एकदम से उसने डर से फिर से उसे कॉन्फ्रंट किया और वो गायब हो जाता है अब वो समझ गया था कि ये जो डर है ये उसके दिमाग में है उसे समझ में आ गया था कि एक्चुअली वो इस डर से डर रहा था ऑल दिस टाइम वो उस डर से उस फीलिंग से डर रहा था ऑल दिस टाइम और अब उसे उस डर को ही हराना है तो उसने रियलाइज कर लिया था कि अगर वो इस डर को कॉन्फ्रंट करने लगता है उससे बात करने लगता है उसे एक्सेप्ट करने लगता है तो वो वैनिश हो जाता है तो इसीलिए ये डर उसके अंदर अब बचा नहीं है ये तो डर के डर से डर रहा है जिसे वो हमेशा कंट्रोल कर सकता है उसको जब ये रियलाइज होता है तो वो बहुत खुश होता है बट अभी भी एक ट्रिप उसकी बाकी होती है इस बार वो ट्रिप लगाता है वॉम लेक की तरफ ठीक है तो वॉम लेक की तरफ अब वो ट्रिप लगाएगा लास्ट है ये और जब वो वॉम लेक में जाता है तो वहाँ पर वो डर कभी भी वापस नहीं आता है और क्योंकि वहाँ पे डर वापस नहीं आता है वो समझ जाता है कि उसने डर को हरा दिया है वो एकदम से यू करके चिल्लाता है और गिलबर्ट पीक ए को रिटर्न करती है यहाँ पे क्योंकि टेरर रिटर्न नहीं होता है तो जब वो स्विम कर पाता है आसानी से बिना डर के तो वो रियलाइज करता है कि वो फ्री हो चुका है और जब उसे ये रियलाइजेशन होती है तो वो हमें अपनी बुक के अंदर बताता है कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट्स मैंने तुम्हें बताया है ना ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है आपके बुक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं थीम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पूरा इंसिडेंस मैंने तुम्हें बताया है ना इस इंसिडेंस का एक बहुत ही ग्रेट मीनिंग है ये जितना जो भी मेरे साथ में हुआ ना इस एक्सपीरियंस का एक ग्रेट एक डीप मीनिंग है मेरे लिए वो कहता है इसका एक डीप मीनिंग है और ये डीप मीनिंग वही लोग समझ पाएंगे जो कि डर आ, आ, से एकदम झंझोड़े गए हैं जिन्होंने डर को फेस किया है ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने डर को हराया है जिन्होंने डर पर जीत हासिल करी है और किसी को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्यों इतना खुश हूँ स्विम करके ठीक है उन्होंने इसके साथ में ये भी बताया कि हम जो डरते हैं वो डर से डरते हैं तो अगर हमें डर को हराना है तो अंदर के डर को हराना पड़ेगा है ना तो जैसे प्र, रूजवेल्ट बोलते है, लड़ना है तो डर से डरो लड़ना है तो जो आपका मौत का डर होता है उसको उसको हराओ क्योंकि वही है मौत में पीस है मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस किया है वो बताते हैं ऑल वी हैव टू फियर Is fear itself. तो वो बोलते हैं अगर आपको लड़ना है तो आप डर से लड़ो क्योंकि मौत के अंदर आ, आ, पीस है वो हमने कभी फील ही नहीं किया है तो हम कैसे उससे डर सकते हैं उन्होंने क्योंकि फील किया था मौत को भी और वो जैसा डर प्रोड्यूस कर सकती है उसको उनकी जीने की इच्छा बढ़ गई थी एट लास्ट वो रिलीवड फील करते हैं वो रिलीज फील करते हैं रिलीव्ड फील करते हैं आजाद फील करते हैं वो जो चाहे कर सकते हैं उनको क्लाइम करना है वो क्लाइम कर सकते हैं ट्रैक करना है ट्रैक कर सकते हैं ट्रेल्स पे जाना है रिल्स पे जाना है यू नो जो भी उन्हें करना है उनको स्विमिंग करनी है वाटरफॉल्स के पास जाना वो जो चाहे कर सकते थे वो रिलीज थे आजाद थे इस हैंडी कैप से अब वो फ्री थे मन चाहे ट्रिप्स पे जाने के लिए अच्छा इसके बाद में तो चाहे हो सकता था कि वो कहीं गए भी ना हो बट कम से कम उनके मन में यह नहीं था कि कोई एक ऐसी चीज है जिससे उन्हें डर लगता है क्योंकि अब उन्हें पानी से डर नहीं लगता था इसके साथ में डीप वाटर कंप्लीट हो गया डर के आगे जीत है जी बिल्कुल मैम प्लीज ब्रेक ओके देखो यार हम साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते जा रहे हैं तो देखो कितना आज आपका ये जो सेशन है कितना ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है क्या आप साथ, साथ में नोट्स भी बनाते जा रहे हो आपके नोट्स भी साथ साथ में बनते जा रहे हैं और रिवीजन भी होते जा रहा है। दर एट्रैप करेंगे इसके बाद में पांच मिनट का ब्रेक ले लो डाउट्स है तो सारे के सारे डाउट्स पूछ लो मैम इन सबको ब्लॉक कर दो ये सब बाबू सोना वाले बाबू सोना तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्लास में नहीं तो पिट्टी हो जाएगी मैं बता दे रही हूँ मैम क्लास कितने बजे तक होती है आज तो मैराथन है सात बजे शुरू हुई है नौ बज गई है दो घंटे और चलेगी दो से ढाई घंटे लगता है और चलेगी तभी जाके कुछ हो पाएगा थैंक थैंक यू यू मैम वाई गार्बेज इज कम्पेयर टू गोल्ड बेटा सोना क्या है आपके लिए एक ऐसी चीज है ना जिसकी एक वैल्यू है एक ऐसी चीज है जिसकी एक इम्पोर्टेंस है आ, आ, जिसको अगर मान लो कोई बुरा वक्त है तो जाकर अगर आप बेचोगे तो उसका एक एनकैशमेंट वैल्यू आपको पैसा मिलेगा अगर सोने को कहीं जाकर बेचोगे और कुछ नहीं मिलेगा तो सोने की वैल्यू होगी क्या नहीं होगी ना पर क्योंकि यहाँ पे सोना आप जब बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है इस वजह से सोने की इतनी वैल्यू है ऐसा ही गार्बेज के साथ है ये लोग गार्बेज आ, 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 पिक करते हैं ये लोग रैक पिकिंग करते हैं क्योंकि इसकी इनकी नज़रों में वैल्यू है जब ये रैक पिक करते हैं और उसके बाद में उसको जाकर बेचते हैं तो इन लोगों को उसके रिटर्न के अंदर पैसा मिलता है तो इनके लिए भी ये एकदम सोने के समान है क्योंकि इससे इनका जीवन चलता है हो गया ब्रेक पूरा आ जाओ जल्दी से एक बार वापस बुला के लेके आ जाओ सबको क्लास की पीडी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा

मैम वॉइस बहुत लो है वो वो यहाँ पे होल्ड किया हुआ था ना इसलिए ठीक है द आट्रा शुरू करते हैं लेट हो जाएंगे नहीं तो आ जाओ फटाफट से बुला के लेके आ जाओ सबको हाँ जी द राट्राफ जिसको लिखा है सेल्मा लेगल ने जल्दी से सेल्मा लेगे ऑफ ओ भी कर दीजिए द राटराप जो है एक बहुत ही मेटाफोरिकल टाइटल है ये अपने आप में एक मेटाफर है इसके लिए क्योंकि यहाँ पे हम कहानी के अंदर देखते हैं कि इसे वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया गया है ये बताया गया है कि किस तरीके से दुनिया भी एक ट्रैप से कम नहीं है पूरी दुनिया भी एक ट्रैप के समान ही है है ना तो द रैट ट्रैप जो है वो मेटाफर है और यहाँ पर जो हमारे प्रोटेगनिस्ट हम या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो लीड है जो नरेटर है वो एक रेटराब सेलर है जिनका नाम आपको पूरे चैप्टर के अंदर देखने को नहीं मिलता है बट कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अलग अलग नामों से उनको पुकारा गया तो चैप्टर की शुरुआत के अंदर हमें इनके बारे में बताया जाता है हमें बताया जाता है कि राट्राफ सेलर जो है उसकी जिंदगी कैसी है हमें बताया जाता है कि राट्राफ सेलर जो है वो बेचारा अपना काम अपना आ, गुजारा कैसे करता है या तो वो क्या करता है भीख मांग लेता है सबसे पहले तो वो भीख मांगता है और ये जो भीख है ये स्टोर्स के अंदर फार्म्स के अंदर भीख मांग के और यहाँ से वायर लेकर आता है तो बीक मांग के वायर्स इकट्ठे कर लेता है ये जो वायर्स है इन वायर्स से वो रेट्रैप बनाता है अब ये ये जो वाला इसका बिजनेस बिजनेस है ये तो है प्रॉफिटेबल तो नहीं प्रॉफिट तो यहाँ पर होता नहीं है इसी वजह से इसको चोरियां भी करनी पड़ती है तो ये थोड़ा स्टीलिंग भी थोड़ी सी चो, चोरी भी कर लेता थोड़ी आ, थीवरी भी कर लेता है इस तरीके से इसका गुजारा होता है फिर भी बेचारे की अगर आप शक्ल देखोगे तो इसकी शकल एकदम ऐसे चिपकी हुई है ठीक है एकदम से चिपकी हुई है आंखें एकदम धसी हुई हैं आप देखोगे ऐसा लगेगा बहुत ही ज्यादा स्टाफ है बहुत ही ज्यादा भूखा है इसके साथ में ना दुनिया ने भी कभी अच्छा नहीं किया इसी वजह से क्योंकि ये इतना ज्यादा अकेला होता है ठीक है ये इतना ज्यादा लोनली होता है सैड होता है ठीक है तो ये लोनली होता है सैड होता है monotonous होता है तो इसीलिए अपने दिमाग में इसके जो भी आ सारे होते हैं वही इसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है तो एक बार इसी तरीके से रोड पे चलते चलते इसके दिमाग में एक एंटरटेनिंग थॉट आता है ये जो एंटरटेनिंग थॉट इसके दिमाग में आता है ये आता है अबाउट द वर्ल्ड ट्रैप कैसे ये पूरी की पूरी दुनिया एक ट्रैप है वो ये सोच रहा होता है ठीक है ये पूरी की पूरी दुनिया अपने यू नो इतने सारे रिचेस से जॉय से कंफर्ट से वॉर्म से ये सारी की सारी चीजों से हमें अट्रैक्ट करती रहती है टेम्पटेशन से अट्रैक्ट करती है और जैसे ही हम लोग इन टेम्पटेशन में इन मटीरियलिस्टिक चीजों के अंदर फंस जाते हैं आ, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर एक ट्रैप जो है वो बंद हो जाता है और उसके बाद में हमारा उससे निकलना बड़ा मुश्किल है ये बेसिकली एक लालच का जाल है कि जब आपके पास कोई एक चीज हो जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं थोड़ी और कुछ और होना चाहिए और होना चाहिए है, है ना तो इस वजह से कभी उस चीज का अंत ही नहीं आ पाता है तो वो पूरी दुनिया को एक रैट्रैप से कंपेयर करता है वो बताता है कि कैसे हम लोग जब बेट्स को टच करते हैं ये बेट्स एक्चुअली क्या है मटेरियल चीजें हैं ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। जैसे हम इसे टच करते हैं हम लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी उसके लिए कभी भी नहीं थी तो दुनिया के बारे में ऐसे सोचना उसे बहुत ही अच्छा लगता था एक दिन की बात है इस पूरे के पूरे थॉट के अंदर सोचते सोचते वो जा, चला जाता है एक इवनिंग एक ग्रे कॉटेज के सामने वो नॉक करता है यूजुअली उसे हमेशा लोग घर से भगा देते हैं छुट्टा नहीं है आगे जाओ सार फेसेस देकर भगा देते हैं पर आज जिस ग्रे कॉटेज के सामने ये गया है और उसने नॉक किया है क्योंकि बहुत थी और इसको कहीं रुकना था इस ग्रे कॉटेज का जो मालिक है वो इसे वेलकम करता है और ना तो सिर्फ उसे वेलकम करता है उसे खाना खिलाता है यानी कि उसको सपर देता है इसके साथ में उसके साथ में स्मोक करता है और मेयोलिस भी खेलता है जो कि एक गेम है ये जो होस्ट है ये होस्ट क्रॉफ्टर होता है अपने जवानी के दिनों में तो बताता है कि यार मैं जवानी के दिनों में क्रॉफ्टर हुआ करता था यानी लैंड पे काम किया करता था अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मेरे पास में उतना मेरे घुटने उतने काम तो करते नहीं है कि मैं लैंड पे काम कर सकू लैंड लेबर कर सकू और इसी वजह से मैंने क्या किया है मेरी जो गाय है मैं उसका सहारा लेता हूँ तो मेरी जो गाय है वो मेरी मदद कर रही है वो इतना दूध दे देती है कि मैं क्रीमरी में हर रोज जाकर सेल कर सकता हूँ पिछले महीने तो मैंने उसका पूरा मिल्क जो है वो सेल करके थर्टी क्रॉनर्स कमाए तो यहाँ पर ना तो सिर्फ इन सारी चीज़ों के साथ में जेनरस होता है वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर देता है सीक्रेट शेयर कर देता है एंड फाइनली दिखा देता है उसे थर्टी क्रॉनर थर्टी क्रॉनर के बिल्स उसे शो कर देता है और उसके बाद में वो दोनों सो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग गुड सीजन में उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग क्रॉफ्टर अपने रास्ते चला जाता है और हमारा रेट्राफ सेलर अपने रास्ते चला जाता है इसके बाद में आधा घंटा भी नहीं गुजरा होता है कि इतने में वो वापस आता है और वापस आके आधे घंटे के अंदर वापस आके वो दरवाजा नहीं तोड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि पैसे कहां रखें वो खिड़की के पास जाता है पेन को स्मैश करता है पाउच निकालता है तीस क्रॉनर बिल्स निकालता है जेब में डालता है और वापस उसे टंगा के भाग जाता है सो ट्रैम्प रिटर्न एंड Steals the money, ठीक है पैसा चुराता है फिर डिसाइड करता है कि यार मुझे पब्लिक हाईवे की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर पब्लिक हाईवे की तरफ गया तो तुरंत मुझे पुलिस पकड़ लेगी तो डिसाइड करता है कि मुझे फॉरेस्ट में जाना चाहिए वो एक डेंस फॉरेस्ट का चुनाव कर लेता है जहां पर उसे लगता है कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा और वहां पर जाके उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता खुशी महसूस हो रही होती है उसे लगता है अरे वाह यार मैंने क्या कमाल कर दिया मैंने उस इंसान को बुद्धू बनाया और मैं पैसा लेके भाग गया थोड़े टाइम तक तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है इनफैक्ट वो फॉरेस्ट में भी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा होता है पर थोड़ी ही देर के बाद में पता है क्या हुआ थोड़ी देर के बाद में वो कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट जो है बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एक प्रिजन के जैसे उसे लगने लग जाता है उसे ऐसा लगता है उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये एक एक यू नो एम प्रिजन बन चुका है ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जेल के अंदर एक ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ जितनी मर्जी कोशिश कर लू ये एक भूल भुलैया की तरह फॉरेस्ट मेरे ऊपर क्लोज हो चुका है मैं जहां से भी चला जाऊं एक ही पेड़ के थ्रू होके वापस यहीं पर आ जाता हूँ और इसी वजह से उसे लगता है कि अब तो वो मरने वाला है क्योंकि शाम होने लग जाती है आवाजें आने लग रही होती है झाड़ियों में से उसे लगता है कि बस अब तो आज वो किसी ना किसी वाइल्ड एनिमल का नाश्ता बनकर ही रहेगा। ठंड भी इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो किसी वाइल्ड एनिमल का नाश्ता नहीं बना तो वो जम के ही मर जाएगा इतना ज्यादा थक हार के वो बेचारा ग्राउंड पर लेट जाता है एकदम से गिरता है कि इतने में उसे रेगुलर थम्पिंग सुनाई देती है उसे रेगुलर थंपिंग सुनाई देती है वो समझ जाता है कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं वो समझ जाता है कि ये क्या है ये हथौड़े की आवाज है जरूर कोई तो यहाँ पे पास में आयन मिल होगी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और वो हथौड़ा मार रहे हैं आयन पे सो तो इससे वो समझ जाता है कि अगर मैं इस साउंड को फॉलो करूँ तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं ठीक है तो इसीलिए रेगुलर थम्पिंग को वो फॉलो करने लग जाता है वो साउंड को फॉलो करता है और साउंड को फॉलो करते ही वो पहुंच जाता है रैम्जो आयन वर्क्स ये क्या हो रहा है कहीं पर भी लाइन आ रही है रामजो आयन वर्क्स वो पहुंच जाता है रामजो आयन वर्क्स जो है वो अब अगर आप देखोगे तो बंद हो चुके हैं पर एक टाइम पर रामजो आय दो से काम होता था गर्मियों के अंदर वहां पर रॉ मटेरियल लाया जाता था सर्दियों के अंदर वहां पर शिफ्टिंग का प्रोसेस होता था सिफ्टिंग, शिफ्टिंग नहीं है ना शिफ्टिंग का प्रोसेस होता था जिससे वो आयन एक्सट्रैक्ट करते थे एंड देन फिर मार्केट में बेचा करते थे तो रैमजो आयन वर्क के अंदर अभी यहाँ पर क्या था मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो जूनियर था छोटू था वो दोनों वहां पर मिलकर काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि लोहा तैयार है क्या वो वहां पर ये देख रहे होते हैं कि भाई लोहा तैयार है क्या जैसे ही लोहा तैयार हो जाएगा उसको शेप दे देंगे और बात खत्म ठीक है तो वो दोनों मिलकर यही काम कर रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारी आवाजें हो रही होती है तो यहाँ पर ये दोनों अपने काम पर लगे हुए होते हैं देवर प्रिपेयरिंग आयन ठीक है तो ये अपने काम पे लगे हुए हैं अब आयन वर्क्स में इस टाइम पर बहुत सारी आवाजें हो रही होती है। क्यों हो रही होती है क्योंकि देखो यार यहाँ पे ना आसपास बहुत कुछ है सबसे पहला तो यहाँ पे जो आवाज हो रही है वो हो रही है आ, कोल के क्रैकल करने की ठीक है इसके साथ में हम देख रहे हैं कि फर्नेस के मो के अंदर किस तरीके से चाकुल लेकर आया जा रहा है तो उसकी गुड़ 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 आवाज हो रही है इसकी एडिशन के अंदर पास में वॉटर है कि वहां पर भी आवाज़ हो रही है वॉटर से आने वाला जो रेन है जो बारिश यू नो हवा की वजह से रूफ पर गिरती है उसकी आवाज़ हो रही है और इसी आवाज़ की वजह से ब्लैक स्मिथ रियलाइज ही नहीं करता है कि कब ट्रैम्प वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ सेकने लग जाता है ठीक है वो आ जाता है और आकर एकदम से के एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है अपने आप को एकदम गर्म करने लग जाता है अब यहाँ पर ब्लैक स्मिथ वैसे ब्लैक स्मिथ को पता होता है कि यार बेचारे बंजारे लोग जो है वो आ जाते हैं यार अफकोर्स इतनी ठंड के अंदर रोशनी को देख कर इतनी गर्मी को देख कर, वो अट्रैक्ट होकर आ ही जाते हैं तो ब्लैक स्मिथ उसे अलाउ करने अलाउ कर देता है वहां पर रुकने के लिए ठीक है तो वो उसको वहाँ पर अलाव कर देता है रुकने के लिए एंड देन वो भी रुक जाता है ज़्यादा बातचीत दोनों के बीच में नहीं होती है और इतने में एंट्री हो जाती है हमारे आयन मास्टर की आयन मास्टर जिसका एक ही ख्वाब है और वो ये है कि वो गुड क्वालिटी आयन ही मार्केट में एक्सपोर्ट करे वो हमेशा राउंड्स पे आता रहता है वो सुबह राउंड पे आ जाता है एक बार शाम को राउंड पे आ जाता है और अपने इवनिंग के राउंड पे जब वो आता है तो वो नोटिस करता है कि आज तो यहाँ पे फौज में एक रागा मफिन एक बड़ा सा कपड़ों का ढेर जैसा इंसान लेटा हुआ है और वो इंसान इतने पास लेटा है फर्नेस के कि उसके कपड़ों में से धुएं निकल रहे हैं तो आयन मास्टर

Mistakes tramp for news.

तो क्रॉनर तो वो दे ही देगा तो इसीलिए वो इसको कंटिन्यू करता है इस बात को डिसग्री नहीं करता है ठीक है वो नहीं करता डिड नॉट वो डिस नहीं करता है इनफैक्ट कंटिन्यू करता, करता है इसको और उसको लगता है कि कुछ एक पैसे मिल जाएंगे ठीक है अब अब इसके 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 बाद में में क्या हुआ इसके साथ में? अब इसके साथ हो गई चोट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आयन मास्टर है वो इसे कोई पैसे वैसे नहीं देता है इनफैक्ट वो तो इसको अपने घर पर बुला लेता है आयन मास्टर ट्रांप को घर पे बुलाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो तो कहता है कि चलो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे घर पर तो मेरे साथ घर चलो ट्रम्प इस बात को डिनाई कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इसके साथ अगर घर गया तो वो एकदम ऐसा ही होगा जैसे अपने आप को लायंस डेन यानी लायन के डेन के सामने फेंकना तो इसीलिए वो मना कर देता है ट्रैम्प मना कर देता है और आयन मास्टर भी हार मान के वहां से चला जाता है हाउ एवर ब्लैक स्मिथ को लगता है कि ये इतनी जल्दी हार मानने वाला तो नहीं है जरूर वापस आएगा और वो आधे घंटे के अंदर वापस भी आ जाता है नहीं नहीं इस बार आयन मास्टर नहीं इस बार आयन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है थर्टी मिनट्स के अंदर अंदर एडला आ जाती है तो थर्टी मिनट्स के अंदर अंदर एडला आ जाती है इसके लिए आती है क्योंकि उसको कैप्टन को घर पे लेके जाना होता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एटला ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखती है पर वो बहुत ही शर्मीली और मॉडर्स किस्म की लड़की होती है तो यहाँ पर जब वो इधर देखती है ट्रैप को तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट भी है तो जब वो ट्रैम्प को देखती है तो वो रियलाइज़ कर जाती है कि यार इसने ज़रूर या तो कुछ चुराया होगा या फिर पुलिस इसके पीछे पड़ी है तो इसीलिए वो उसे रिअश्योरेंस देती है कि जब उसका मन करे वो वापस आ सकता है जैसे वो अपने मन से चलेगा वैसे ही वो अपने मन से कभी भी निकल कर आ सकता है ठीक है तो जैसे वहां पर आती है वो ट्राई करती है एंड इनफैक्ट रेट्राब सेलर परजुएड हो भी जाता है ठीक है और वो कन्विंस हो भी जाता है वो अग्री कर देता है वो वैले से फर्कोट करता है है और उसके साथ में में चला जाता है। जब वो कैरेज में बैठा होता है तो उसे एक चीज रियलाइज होती है और वो ये है कि यार मेरे साथ में ना ये ये, ये ट्रैप वाला ही ट्रैप हो गया है वो समझ जाता है कि यार क्यों मैंने उस इंसान के पैसे चुराए आज मैं उस इंसान के पैसे नहीं चुराता तो मैं यहाँ नहीं फंसता अब मैं कैरिज में बैठा हुआ हूँ मैनर हाउस जा रहा हूँ और भगवान जाने मेरे साथ वहां पर क्या होने वाला है तो वहां पर कैरिज में बैठकर कर सेलर को ईवेल फॉरबोर्डिंग महसूस हो रही होती है तो कैरेज में उसे ईविल फोर बोर्डिंग महसूस हो रही होती है उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे आज तो बस बहुत कुछ होने वाला है कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है ठीक है अब इसके बाद में आ जाती है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह की बात होती है जब आयन मास्टर पूरा एक प्लान बना चुका होता है आयन मास्टर डिसाइड कर चुका होता है कि भाई उसका ये जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है इसका इसके साथ उसे क्या करना है ठीक है तो यहाँ पे आयन मास्टर प्लान कर रहा होता है सबसे पहले तो प्लान करता है कि भाई इस इंसान के थोड़ी बोन्स पे फ्लैश आ जाए फिर वो प्लान कर रहा होता है कि एक डिसेंट सा जॉब इसे दिला दे जबकि उसकी बेटी जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती है और ब्रेकफेस्ट प्रिपेयर करते करते वो कह रही होती है कि उस इंसान को जब मैंने कल देखा था तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो इंसान एक एडुकेटेड इंसान था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई ट्रैम्प है बट यहाँ पर आयन मास्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो जैसा उसका हुलिया था कल वो नेचुरली इम्बेस्ड था अगर हम लोग अभी देखना उसको वो एकदम ट्रैप के मैनर्स उस ट्रैप के क्लोज के साथ चले जाएंगे ना फिर से मेरा दोस्त निकल कर आएगा जब वो ये कहता है तो इतने में एंट्री हो जाती है राटराब सेलर की और जब वो एंटर करता है तो वो फुल्ली ग्रूम्ड होता है एक्चुअली उसके जो वहाँ पे जो वैले है जो सर्वेंट है वो उसे ले जाते हैं नहलाते हैं धुलाते हैं एकदम 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 पूरा पूरा बाल वाल कटा कटा के बनाकर नए जूते नए सूट वूट पहना कर उसे लेकर आते हैं जब वो एंटर करता है फुल्ली एकदम ग्रूम होके तो यहाँ पे आयन मास्टर को रियलाइज हो जाता है कि मैंने एक गलती कर दी है ये इंसान तो नील जुलौफ नहीं है तो यहाँ पर एकदम से अनप्लेजेंट फील कर रहा होता है Uh, uh ra Trap, uh, uh, Iron Master. उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसका दोस्त है और यहाँ पर वो किसी भी तो ट्रैप को उठाकर लेकर आ गया है अब देखो यार गलती खुद से हुई थी तो नेचुरली यहाँ पर आ, आ, उसको बुरा भी लग रहा था कि यार मैं बिना सोचे समझे किसी को भी लेकर आ गया हूँ यहाँ पे ये इंसान रात भर यहाँ पर रह भी गया है और मैंने इतना सब कर दिया है बट कहीं ना कहीं गलती सामने वाले की भी थी तो इसीलिए वो सामने वाले यानी रैट रेट्रैप सेलर को उसका कह सकते हैं ना दोषी मानने लग जाता है वो उस पर चिल्लाता है और इनफैक्ट उसे धमकाता है कि वो एक कॉप को बुला लेगा वो पुलिस को बुला लेगा ताकि इस पूरे मामले की वो तय तक जाए ठीक है ऐसा वो इसके लिए करता है क्योंकि राट्राप सेलर कहता है कि सर मैंने कुछ किया नहीं है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैं नील जुलौफ हूँ आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए मैं तो इनफैक्ट बस इतना ही चाहता था कि मैं रात रात वहाँ फौज में चला जाऊँ एंड देन उसके बाद में मैं सुबह निकल जाऊंगा आप मुझे यहाँ पर लेकर आए तो मेरी गलती नहीं है इतने में आयन मास्टर को गुस्सा आ जाता है आयन मास्टर कहता है कि भाई तूने सच भी तो नहीं बोला अब देख मैं बुलाता हूँ कॉप्स को और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कॉप्स का नाम सुनते ही यानी शेरिफ का नाम सुनते ही एकदम से राटराप सेलर डर जाता है और वो यहाँ पर उसको अपनी राटराप अ वर्ल्ड बींग का वाली कहानी सुना देता है वो बताता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया अपने इतने सारे रिचे अपने लैंड्स अपने सिटीज अपने माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड वेल्थ एंड वार्म एंड हेल्थ इन सारी चीज़ों के साथ में इन सारी मटीरियल चीज़ों के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है और हम इसमें फंस जाते हैं जिस मिनट हम लोग इस ट्रैप को टच करते हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है अगर यहाँ पर शेरिफ आया और शेरिफ ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो आप भी किसी तो बड़े पोक के टुकड़े के लिए भागोगे किसी तो बड़ी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए भागोगे और आप भी फंस जाओगे ये बात सुन के आयन मास्टर उसे छोड़ देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो इमीडिएटली जाने के लिए बोलते हैं और इतने में एडला उनके बीच में आ जाती है एडला कहती है पापा और आकर कहती है कि पापा मैं आज इतना ज्यादा खुश थी कि ये इंसान जो दर बदर भटकता रहता है इस इंसान के लिए आज मैं क्रिसमस को इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपको और मुझे छोड़कर आज मुझे मौका मिलेगा किसी और के लिए कुछ करने का ये जो इंसान है इस इंसान के लिए आज मैं कुछ कर पाती इसके लिए क्रिसमस को क्रिसमस जैसा बना पाती क्योंकि अदरवाइज तो ये पूरे साल भर दरबदर भटकता ही रहता और इसे तो चैन की नींद भी नसीब नहीं होती क्योंकि अगर ये सो जाता है या फिर यू you नो know, कहीं पर किसी को पड़ा हुआ मिलता है तो लोग इससे आके क्वेश्चन करते हैं अगर कहीं पे चोरी हो जाती है तो इससे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है इनफैक्ट बिना सबूतों के कभी कभी तो इसे इस गिरफ्तार कर लिया जाता है आ, इसे हमेशा डर लगता है कि ये गिरफ्तार हो जाएगा ये भागता रहता है पुलिस से इसके पास कोई घर नहीं है पापा आज एक दिन क्या हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते क्या आज का एक दिन उस इंसान को जिसको हमने क्रिसमस चेयर प्रॉमिस किया है हम क्रिसमस चेयर नहीं दे सकते वो ऐसा कह के अपने पापा को कन्विंस कर लेती है और राट रैप सेलर को वहां रोक लेती है वो पेडलर के लिए इंटरसीड करती है एंड कन्विंस कर लेती है अपने पापा को उसके पापा कन्विंस हो जाते हैं और राट्राफ सेलर अब उनके साथ में रुक जाता है वो पकड़ के लेकर जाती है राट्राफ सेलर को बिठाती है डाइनिंग टेबल पर और बोलती है चुपचाप यहाँ पर बैठो और आराम से खाओ ठीक है राट्राफ सेलर को समझ आ तक नहीं आ पा रहा होता है कि उसके साथ में हुआ तो हुआ क्या अरे वाह और यहाँ पर हुआ स्पैम हम्म एनीवे anyway, तो इसके बाद में इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में पूरा का पूरा इवनिंग एकदम वैसा ही जाता है जैसे कि रामजो में जा रहा होता है कोई भी चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आने वाला हमारा जो गेस्ट है वो बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करता है पूरे टाइम सोने के सिवा वो इनफैक्ट कुछ करता ही नहीं है The stranger स्लेप होल फोर नून उसके बाद उठा लंच किया सो गया ठीक है उसके बाद क्रिसमस लाइट्स के लिए उठा उसके बाद फिर सो गया डिनर के लिए उठा और जब डिनर कर लिया तो यहाँ पर सब लोगों ने गिफ्ट एक्सचेंज किए तब यहां पर एडला ने उसे बोला कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसके पापा की तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट है और उसकी तरफ से वो ये कहना चाहती है कि अगर अगले साल भी उसके पास कोई घर नहीं हो क्रिसमस सेलिब्रेट करने का और वो एक दिन ठीक है एक दिन यू नो कहीं जाना चाहता है सेलिब्रेट करना चाहता है आराम करना चाहता है तो ये घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खड़े खुले रहेंगे तो इसीलिए वो डिनर के बाद में एडला टू दी स्ट्रेंजर और कहती है ही कैन कम अगेन फॉर क्रिसमस इफ ही वांट्स ये बातें सुनकर स्ट्रेंजर या पेडलर कुछ भी नहीं बोलता वो ऑलरेडी देख चुका था कि एडला उसके लिए इंटरसीड कर चुकी है उसके ऊपर से अब वो देख रहा है कि यहाँ पे तो आ, उसने मेरे को ये भी कह दिया है कि अगले क्रिसमस पे भी आप आना चाहो तो आ सकते हो उसके अंदर अब एकदम इस चीज़ के कुछ काउंटर करने के लिए अंदर कुछ बचता नहीं है तो इसीलिए वो बस उसे देखता है और वहां से चले जाता है अब अगली मॉर्निंग हो जाती है क्रिसमस सर्विस वाला दिन आ जाता है आयन मास्टर और एडला क्रिसमस सर्विस के लिए निकल जाते हैं और वहां पे क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च पे उनको पता चलता है कि एक राटरा बेचने वाले इंसान ने क्रॉफ्टर के घर पर चोरी कर ली है अब जैसे ही उनको ये पता चलता है तो उन्हें लगता है कि उनके घर में भी चोरी हुई होगी खास करके आयर मास्टर को ऐसा लगता है कि एडला का ये जो डिसीजन था उस इंसान को घर में रखने का वो एकदम ही गलत था वो इंसान न जाने अभी तक कितनी चांदी की चम्मचें उठाकर ले गया होगा उनके घर में भी चोरी हो गई होगी हाउएवर एडला बहुत ही ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसे एक्चुअली चांदी के चम्मचों की नहीं पड़ी होती है उससे अपने अंदर की गुडनेस की पड़ी होती है लाइफ में क्या होता है कि जब हम किसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें वो अच्छा रिटर्न में नहीं मिलता है जब हमें धोखा मिलता है तो हम लोग उस धोखे से क्या सीखते हैं कि हमें किसी के साथ अच्छाई नहीं करनी है इसी वजह से इस दुनिया के अंदर अच्छाई ख़त्म होती जा रही है अगर एडला को आज धोखा मिला अगर आज उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो वो भी कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी ये वो सोच रही होती है और इसीलिए वो अंदर से सहमी भी अंदर से थोड़ी डरी हुई होती है बट जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं वो रियलाइज करते हैं कि वो इंसान उनको बताया जाता है कि वो इंसान कुछ लेकर नहीं इनफैक्ट कुछ देकर गया है यहाँ पे जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं तो वैले कहता है कि मिस विलमैनसन जो है उनके लिए ट्रैप सेलर कुछ दे कर गया है और जैसे ही एडला उसे देखती है उस प्रेजेंट के अंदर क्या होता है उस प्रेजेंट के अंदर होता है एक ट्रैप उस प्रेजेंट में होता है एक ट्रैप इसके साथ में थर्टी क्रॉनर इसके साथ में एक चिट्ठी ये तीनों चीजें उस प्रेजेंट के अंदर होती हैं जैसे उसे वो खोलती है यहां पे इसमें जो चिट्ठी लिखी होती है उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि आपने मुझे एक क्रॉफ्ट एक यू नो कैप्टन के जैसे ट्रीट किया जबकि मैं कैप्टन हूं भी नहीं पूरे दिन मुझे एक बार के लिए एहसास नहीं हुआ कि मैं एक रैट सेलर हूं। तो मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस पे आप एक चोर चक्के की वजह से एम्बेस हो जाओ देखो ये जो तीस क्रॉनर मैं आपको यहाँ हैंडओवर कर रहा हूँ ये तीस क्रॉनर आप गली के उस पार रहने वाले क्रॉफ्टर को दे दीजिएगा जो कि अपने खिड़की पर इन तीस क्रॉनर को टंगा कर रखता है हम जैसे गरीब लोगों को ललचाने के लिए ये जो ट्रैप है ये मेरी तरफ से आप रख लीजिएगा क्योंकि अगर मुझे एक कैप्टन की तरह रेज नहीं किया जाता तो शायद मैं भी एक रैड की तरह ट्रैप में फंस जाता तो क्योंकि मुझे कैप्टन के जैसे ट्रीट किया गया है मैं चाहता हूं आपको थैंक यू बोलना और वो साइन कर देता इसे आज आज आ, आज है इसे एज अज कैप्टन वोन स्टेह तो यहाँ पर जब को पढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो ट्रस्ट था वो जो फेथ था ह्यूमैनिटी में वो फिर से बरकरार हो जाता है और हम ये सीखते हैं कि अगर आप अपना ट्रस्ट अपना लव अपना केयर अपनी फ्रेंडशिप राइट प्लेस पे प्लेस करते हो आपको अगर भरोसा है अगर आप किसी को सेकंड चांस देते हो तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की गुडनेस निकल कर आती है हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है अगर जरूरत है तो सच्चाई के बाहर आने की जो कि हमारे अच्छे व्यवहार से बाहर आती है इसके साथ में हमें यह भी पता चलता है कि हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर बहुत ही लोनली है ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं बिलोंगिंगनेस की इनकी नीड जो है वो सेटिसफाई नहीं हो रही है ये लोग कहीं ना कहीं एक फैमिली एक परिवार एक ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको जिनके साथ जिनको ये अपना कह सकें और उसी के चलते देखो किस तरीके से वो भटक रहे हैं कैसे क्रॉफ्टर ने अपने घर के अंदर एक चोर को जगह दे दी कैसे एक चोर जो है वो बिलोंगिंगनेस के अंदर चोरी करने के बाद भी पकड़ा जाने के खतरे के बावजूद एडला के साथ घर चला गया कैसे एडला जानते हुए भी कि वो एक चोर को घर लेकर आ रही है उसके लिए क्रिसमस की तैयारियां करने लगी कैसे आयन मास्टर एट द फर्स्ट प्लेस उसे नील जोलॉफ मानकर उसे घर ले जाने के लिए अपनी बेटी को भेजता है तो सब लोग जो है यहां पर किसी ना किसी के साथ होने की यू नो उम्मीद रखते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो राट्रा भी आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है इंडिगो जिसे लिखा है लुई फिशर ने ठीक है इंडिगो जिसे लिखा है लुई फिशर ने फटाफट -फड़ से हेडिंग डाल लीजिए इंडिगो ऑल राइट इंडिगो को लुई फिशर ने लिखा है ये एक ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर वो आ, हमारे साथ में शेयर करते हैं आ, एक एक्सर्प्ट है क्योंकि इंडिगो लुई फिशर ने यू नो एज अ बायोग्राफी बायोग्राफी लिखा है इंडिगो में लुई फिशर बायोग्राफी लिखते हैं महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी जी पर लिखी हुई इतनी सारी बायोग्राफीज में से इनकी लिखी हुई बायोग्राफी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बहुत ही फेमस है और आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो उसका एक एक्सर्प्ट है एक हिस्सा है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता है कि कैसे गांधी जी ने डिसाइड किया कि उन्हें उन्हीं के देश के अंदर आ, आकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं ठीक है और किस तरीके से वो एक बदलाव लेकर आए एक मूवमेंट uh, की शुरुआत हुई ओके okay. तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब गांधी जी उन्हें यही बात बता रहे होते हैं वो कहते हैं ये 1917 की बात है जब मैंने डिसाइड किया था डिपार्चर मैंने ब्रिटिशर्स का डिपार्चर डिसाइड कर लिया था वो बताते हैं कि 1916 के अंदर मैं एक एनुअल कॉन्वेंशन में गया था इस एनुअल कॉन्वेंशन के अंदर 2300 एंड वन डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स आए थे ठीक है तो इतने सारे डेलीगेट्स और इतने सारे विजिटर्स मौजूद थे अब इनमें से यहाँ पे एक प्रेजेंट भी आया हुआ था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला भी यहां पर आया हुआ था जो कि वहाँ पे गांधी जी की मदद लेने आया था वो एक्चुअली यहाँ पर कंप्लेन करने आया था अगेंस्ट इनजस्टिस जो कि चंपारण में शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ हो रही थी वो तो ये बताने आया था कि कैसे एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के तहत चंपारण में जो पेजेंट्स है वो शेयर क्रॉपर्स हैं और उनके साथ में इनजस्टिस या नाइंसाफी हो रही है किसी ने उन्हें कहा था गांधी जी से बात करो गांधी जी से मदद लो तो वो चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चंपारण आ जाए पहली बात तो गांधी जी को नहीं पता था कि ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या थी दूसरी बात गांधी जी को यह नहीं पता था कि चंपारण आखिरकार कहां था ठीक है तो गांधी जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं मुझे कानपुर जाना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है मैं अभी नहीं चल सकता हूँ राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं वो उनके साथ साथ हर जगह गए एंड फाइनली राजकुमार शुक्ला ने उन्हें आश्रम तक फॉलो किया न जाने कितने टाइम तक वो गांधी जी को छोड़े ही नहीं गांधी जी उनको इस तरीके से देखकर ठीक है बेसिकली इतना फॉलो करते हुए देखकर ना हार मानते हुए देखकर खुश हो गए उसकी टेनासिटी से खुश होकर उन्होंने कहा देख भाई तू इतना मुझे फॉलो कर रहा है मैं तेरी मदद जरूर करना चाहता हूँ तू सच एंड सच डेट पर कैलकटा आ जा और आकर मेरे को पिक कर और ले चल तेरे चंपारण ठीक है तो उसके बाद में वो चले जाते हैं उनके साथ में चंपारण की ओर निकल पड़ते हैं तो कोलकाता से पटना की ओर वो उनको ले जाते हैं पटना में एक्चुअली वो उन्हें लेकर जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे राजेंद्र प्रसाद जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जो कि इस केस के लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे वो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो अनटचेबल है एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं होते हैं और इसीलिए वहां पे जो सर्वेंट्स होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यार ये राजकुमार शुक्ला हर बार मालिक को यहाँ परेशान करने आ जाता है तो ये इंसान तो एक गरीब पेजेंट है ये पता है गांधी जी है ये नहीं पता है ये नहीं पता है कि गांधी जी एक अनटचेबल है या है अगर तो बाय चांस इनको वेल को छूने दिया और इनके हाथों की कुछ बूंदे फिर से उस कुएं के अंदर गिर गई तो कुआ तो पूरा दूषित हो जाएगा यार तो इसी वजह से वो उनको अनटचेबल की तरह ही ट्रीट करते हैं जिसके बारे में गांधी ने जिक्र किया गांधी जी जब ये बात पूरी यहाँ पे देखते हैं उनको समझ में आता है ठीक है राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पर नहीं है पर राजकुमार शुक्ला यहाँ पर कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि यार सिर्फ राजकुमार शुक्ला के बताने से तो कुछ नहीं होने वाला है ये बात तो तय है कि यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मुझे जानने की जरूरत है और इसीलिए वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं जहां से वो और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे इस केस के बारे में डिजाइड्स टू गो टू मुजा फरपुर फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब वहां पर जाकर उन्हें रिसीव करते हैं प्रोफेसर जे बी और गांधी जी घर पर रहते हैं प्रोफेसर मलकानी के जिसको गांधी जी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर होम रूल के एडवोकेट्स को लोग अपने घरों के अंदर घुसाते नहीं थे होम रूल के एडवोकेट्स को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा सजग रहते थे इसके लिए क्योंकि फिर गवर्नमेंट हो सकता है कि आपके ऊपर कोई धारा लगाकर आपको अंदर कर सकती है आपकी नौकरी भी छीनी जा सकती है तो प्रोफेसर मलकानी का घर पे रहना के घर पे गांधी जी का दो दिन तक रहना एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात थी It was an extraordinary thing. All right, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में मुजफ्फरपुर जैसे ही वो आए हैं तो नेचुरली बाकी सारे लोगों को भी पता चल गया है कि गांधी जी यहां पर आ रहे हैं और जैसे ही उनके आने की खबर यहां पर पहुंच गई है तो सारे के सारे लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके लिए कोई एक महात्मा एक चैंपियन आया है जो उन्हें इन पूरी पूरी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है तो वहां पे लोग उनको मिलने के लिए आने लग गए यहाँ पर आकर लॉयर्स ने गांधी जी को केस के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली माजरा क्या है पहले ब्रीफ वाली बात लिखूं या फीस वाली बात लिखें जो की वो चार्ज करते है इस पे गांधी ने उन्हें फटकार लगाई गांधी जी ने कहा तुम्हे शर्म नहीं आती हाँ ये इतना सारा पैसा क्या तुम इन्ही लोगों से कमाओगे अरे दुनिया में और भी केस है और भी पैसा मिल जाएगा तुम्हे कम से कम यहां पर इन लोगों को तो छोड़ दो जो बेचारे इतने गरीब लोग हैं तो गांधी चीडेड दी लॉयर्स उनको फटकार लगाई एनीवे anyway, अब इसके बाद में इन्होंने जो ब्रीफ किया वो क्या था मैं वो बताती हूँ तो जो चंपारण के एरेबल लैंड थी उसको बड़े बड़े एस्टेट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था अब ये जो है स्टेज थे इस पे अगर आप चाहो तो फार्मिंग कर सकते हो बट अगर आप फार्मिंग करने का तय करते हो तो एक शर्त है और वो शर्त ये है कि इसके पंद्रह परसेंट हिस्से पे आपको नील यानी कि इंडिगो उगाना पड़ेगा और आपको ये पूरा का पूरा इंडिगो का हार्वेस्ट एज रेंट सबमिट कर देना पड़ेगा तो आप जो मर्जी चाहे बाकी के लैंड पे उगा लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर ये पंद्रह परसेंट लैंड पे इंडिगो उगाओगे और पूरा इंडिगो हमें एज अ हार्वेस्ट दे दोगे मतलब पूरा इंडिगो हार्वेस्ट हमें एज अ रेंट दे दोगे अब ऐसे में ब्रिटिशर्स क्या करते थे इस इंडिगो हार्वेस्ट को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे एक्सपोर्ट करके और वहां से ये पैसा कमाते थे और यही उनका बिजनेस था देखो कितना खतरनाक दिमाग उन्होंने लगाया ना जमीन उनकी ना काम करने वाले लोग उनके तो ना उनका हार्वेस्ट था ये बट फिर भी उसको बेच के जो पैसे आते थे वो उनके थे कुछ नहीं करना पड़ रहा था हमारे लोग काम कर रहे थे और पैसे वो लोग छाप रहे थे और ये सारा का सारा जो भी हो रहा था ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो रहा था तो बेचारे लोग क्या कर रहे थे वापस भी नहीं आ पा रहे थे वापस भी कुछ और नहीं कर पा रहे थे सोच पा रहे थे उनको यही करना पड़ रहा था अब इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बना लिया गया है तो ये पता चल गया। अब जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई तो उन्हें पता चल गया था कि ये जो बिजनेस है ये यूजलेस हो गया जब कोई सिंथेटिक चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है तो खास करके इंडस्ट्रीज कोशिश करते हैं कि अपने कॉस्ट को कट करने के लिए वो उसी का इस्तेमाल करें तो नेचुरल सी बात है कि ये इंडिगो जो हमारे फार्मर्स उगा रहे थे अब वो ब्रिटिशर्स के काम नहीं आने वाला था उन्हें पता चल गया था कि ये बिजनेस जो है वो यूजलेस हो गया है और अगर अब हम इंडिगो बनवाते रहे तो किसी काम का नहीं होगा जाते जाते कुछ पैसा बनाने के लिए उनके दिमाग में एक तरकीब आई और वो तरकीब ये थी कि क्यों ना क्यों ना इस अरेंजमेंट से पेजेंट्स को फ्री कर दिया जाए और इस अरेंजमेंट से फ्री होने के लिए हम क्यों ना पेजेंट से अग्रीमेंट साइन करवा लें उस अग्रीमेंट के तहत हम लोगों को उनसे मिलेगा कॉम्पनसेशन तो मोटा पैसा भी हमारे पास आ जाएगा अग्रीमेंट होगा तो हम फंसेंगे भी नहीं और जाते जाते कुछ पैसा हम इससे बना ही लेंगे ये बात उन्होंने किसको कही पेजेंट को कही कुछ लोग अग्री कर गए और उन्होंने ये कॉम्पनसेशन देकर और अग्रीमेंट साइन कर लिया और कुछ लोग यहां पर डिसग्री कर गए और उन लोगों ने कहा कि हम तो कॉम्पनसेशन नहीं देंगे हम इस केस को फाइट कर लेंगे चाहे और इसीलिए उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए ठीक है अब ऐसे में यहां पे पेजेंट्स को पता चल जाता है ऐसे में हमारे पेजेंट्स को पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है उन्हें पता चल जाता है कि किस तरीके से जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है जिसकी वजह से उनका बिजनेस यूजलेस हो गया है और मोटा पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने हमें उल्लू बनाया तो ऐसे वाले पेजेंट जिन्होंने अग्री कर दिया था और पैसे दे दिए थे उनको उनके पैसे वापस चाहिए होते हैं उनको उनके पैसे वापस चाहिए होते हैं कि भाई हमको हमारे पैसे वापस दे दो हमें समझ में आ गया है कि कॉम्पनसेशन तुम्हारा कहीं बनता नहीं था तुमने हम लोगों को उल्लू बनाया अब यहाँ पे इस मोमेंट पर गांधी जी की एंट्री होती है चंपारण में और जब ये पूरी की पूरी बात गांधी जी सुनते हैं ठीक है तो ये पूरी की पूरी बात जब गांधी जी सुनते हैं तो गांधी जी एक कॉन्क्लूजन पर आते हैं गांधी जी कहते हैं कि मैं कॉन्क्लूजन पर आया हूँ कि हम लोगों को लॉ कोर्ट्स जाना अब बंद कर देना चाहिए भाई जहाँ पर सब कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से चल रहा है हम कोर्ट में जाकर क्या उखाड़ लेंगे जब पेजेंट्स हमारे इतने डरे हुए हैं वो कोर्ट में जाकर कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम केस कैसे जीतेंगे अगर हमें कुछ करना है तो हमें पेजेंट्स को डर से फ्री करना है ताकि ऐसी चीजें वापस ना हो मतलब नहीं नहीं तो आ, तीन चैप्टर्स अभी और रह रहे हैं उनको आ, नेक्स्ट उसमें करें घंटा ठीक है मैं देख लेती तो, तो इसीलिए उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को तो यहां पर लॉ uh, कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए अगर कुछ करना है तो हमें हमारे लोगों को डर से फ्री करना चाहिए इस कॉन्क्लूजन पर वो पहुंचे ठीक है अब आगे देखो क्या होता है ठीक है यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना तो गांधी जी ने डिसाइड कर लिया ये चीज और वो आगे बढ़े उन्होंने सोचा कि यार अब अगर मैं मैं ये जितनी बात समझ पाया हूं ये बात तो तय है कि हम लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा जो केस है वो केस फैक्ट्स के बेसिस पे लड़ना पड़ेगा तो वो फैक्स इकट्ठा करना चाहते थे और फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दो जगह पे सबसे पहला हम बात करेंगे फैक्स इकट्ठे करने के लिए गांधी जी ने बोला और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी उनको दो जगह बुली किया गया ठीक है सबसे पहले वो गए थे कमिश्नर के पास ब्रिटिश ऑफिशियल और ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने कहा मैं तुम्हें कोई भी फैक्ट नहीं दे सकता इसके लिए नहीं दे सकता बिकॉज तुम आउटसाइडर हो तो उन्होंने गांधी जी को या फिर कॉल्ड गांधी गांधी आउटसाइडर लिखना चाहिए उन्होंने गांधी जी को एक आउटसाइडर बोला और उसके बाद में उन्हें फैक्ट्स देने से मना कर दिया इसके बाद में भी गांधी जी को तिरहट के अंदर बुली किया गया उन्हें उन्हें बोला गया कि चुपचाप अभी के अभी छोड़कर चले जाओ ठीक है आपको क्या लगता है गांधी जी गए थे क्या एक मिनट ये लान, ये तो आ, ये है एक मिनट रुकना क्विक इसने बोला था लीव तिरहटली तो बुली करने लगा बोला चुपचाप चले जाओ गांधी जी कहीं नहीं गए लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में उन्हें बोला गया था तो बना दिया था ना यार मैंने इसको कि तुम एक आउटसाइडर हो हम तुम्हें कोई भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन वाला कोई भी तुम्हें कोई भी फैक्ट नहीं देगा ठीक है तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे गांधी जी को बुली किया गया पर गांधी जी समझ गए थे कि अगर मुझे बुली किया जा रहा है तो दाल में कुछ काला है और ये कुछ तो ऐसा मुझसे छुपा रहे हैं जो मेरे हाथ पे अगर लग गया तो शायद मैं इस केस का कुछ कर सकता हूँ ठीक है तो गांधी जी यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं इनफैक्ट वो चले जाते हैं मोतिहारी चंपारण के और करीब वो मोतीहारी चले जाते हैं और मोतीहारी में जाकर एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहां से काम करने लग जाते हैं वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक पेजेंट को मॉल ट्रीट किया गया है और वो उसकी तय तक जाना चाहते हैं गांधी जी उसके पीछे चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जाकर एक बार चेक तो करूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है एंड देन इसके बाद में उन्हें रोक लिया जाता है एक मैसेंजर के द्वारा पुलिस सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर के द्वारा जो कि उन्हें कहता है कि गांधी जी आप मेरे साथ चलिए मेरे पास में एक आपके लिए एक नोटिस है एक चिट्ठी है जो मैं आपको आपके घर पे सर्व करूंगा तो मैसेंजर जो है पुलिस सुपरिंटेंडेंट का वो उसे एक उन्हें एक चिट्ठी देता है देखते हैं उसके लिए क्या गांधी जी करते हैं फिर तो वो उन्हें सर्व करता है एक नोटिस ठीक है सॉरी और उस नोटिस के अंदर लिखा होता है क्विट चंपारण इमीडिएटली चंपारण इमीडिएटली जब ये नोटिस उन्हें मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि अभी मेरे को ये और बुली करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले तो इसकी रिसीट को साइन किया और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आई डिसोबे मैं कहीं नहीं जाऊंगा चंपारण छोड़ के कि मैं डिसोबे करता हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा चंपारण छोड़ के नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला कि अगले ही दिन कोर्ट का समन आ गया अ, अ, उसी दिन कोर्ट का समन आ गया कि अगले दिन उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है सुन के गांधी जी सो नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने सारी प्लानिंग करना शुरू किया गांधी जी ने प्लान क्या बनाया सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद को बुला लिया और उसको बोला यार तू तो बाकी सारे फ्रेंड्स को भी लेके आना तो राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया दूसरी चीज दूसरी चीज उन्होंने इन्फॉर्म किया आश्रम में कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है जस्ट इन केस कुछ हो जाता है तुम्हें पता होना चाहिए और तीसरी चीज उन्होंने सारी रिपोर्ट जो है वो वाइस रॉय को भी दे दी पूरी रात उनका यही प्लान चल रहा था वो रात भर यही कर रहे थे और जैसे ही सुबह उठे मॉर्निंग फाउंड मोतीहारी ब्लैक विथ पेसेंट्स मोतिहारी सुबह सुबह अगर आप देखोगे हजारों पेजेंट हजारों फार्मर्स के साथ में से भर चुका था एकदम पूरा भर चुका था खचाखच लोगों को यह पता चल चुका था कि वो महात्मा जो उनकी मदद करने के लिए आया उसे अथॉरिटीज के साथ में प्रॉब्लम है थाउजेंड्स ऑफ़ पर उसके प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे वो गांधी जी को कुछ भी नहीं होने देते यहां पर थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स को देख के और गांधी जी की सुप्रमसी को देख के गवर्नमेंट तो हक्की बक्की रह गई है ना गवर्नमेंट एकदम से बाफल हो गई उन्होंने सोचा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है ये इंसान है कौन जो यहां पर आया हुआ है ठीक है तो हक्की पक्की रह गए और इसी की वजह से ट्रायल में भी डीले हो रहा था

गांधी रेड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी उन्होंने कहा हाँ भाई हाँ मेरे से गलती हुई है ये मेरी गलती है कि मैंने यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में अपनी नेशनल सर्विस और ह्यूमैनिटेरियन जो मेरी सर्विस के लिए मैं आया था उसे चुना एक तरफ मैंने लॉ तोड़ दिया है तो अब आप मुझे बता दीजिए कितनी पेनल्टी मुझे देनी है उन्होंने यहां पर बताया ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ ड्यूटीज में थे और क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में थे तो इस वजह से उन्होंने नेशनल सर्विस को चूज किया और लॉ ब्रेक कर दिया वो चाहते थे कि उन्हें पेनल्टी लग जाए और पेनल्टी बता दी जाए जज ने सोचा ये इंसान खुद ही आकर खुद की वकालत कर रहा है और खुद की जजमेंट खुद ही पास कर रहा है तो फाइनली जज ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला 120 मिनट की रिसेस के बाद में भी गांधी जी को छोड़ दिया गया कि सेवरल डेज तक अभी कोई भी सेंटेंस प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा गांधी जी पीछे से बहुत ज्यादा डर गए थे तो उन्होंने लॉयर्स से सिर्फ एक सवाल पूछा यास लॉयर्स उन्होंने लॉयर्स से सिर्फ एक सवाल पूछा और सवाल ये था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम लोग क्या करोगे ठीक है तो ये चीज उन्होंने बोली कि यार तुम मेरे को बताओ कि आखिरकार अगर कुछ हो जाए मेरे को तो तुम पीछे से क्या करोगे तो एक वहां पे जो सीनियर लॉयर आए हुए थे उन्होंने कहा बोला कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम तो आपकी की मदद करने आए थे तो हम लोग घर चले जाएंगे अगर आप जेल जा रहे हो तो हम घर चले जाएंगे और क्या होगा है ना तो ऐसे में राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा एंड देन वो लोग सब साथ में आए और उन्होंने डिसाइड किया बोला ये इंसान जो पटना को भी बिलोंग नहीं करता ये जो बिहार ये पूरे आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग नहीं करता ये इंसान इस केस से कोई नाता नहीं रखता उसके बावजूद ये इंसान जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग जो यहाँ पर ना तो सिर्फ बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं इसके साथ में इस केस के लॉयर्स भी हैं अगर हम यहाँ पर इसका साथ नहीं देंगे ना तो हम लोगों की टूटू हो जाएगी लोग हम लोगों को पे थूकेंगे भी नहीं ऐसी हालत हो जाएगी इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको भी इसका साथ अब देना चाहिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए इसके साथ जेल जाना चाहिए वो गए गांधी जी के पास और उन्होंने कहा अगर आपको जेल हो गई तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे ठीक है what would they do if he were sent sent to prison ठीक है तो सीनियर लॉयर ने कहा कि वो घर चले जाएंगे कि हम लोग घर चले जाएंगे तो इतने में राजेंद्र प्रसाद ने सबको कलेक्ट करके और वो डिस्कशन किया डिसाइड किया कि हम भी आपको प्रिजन तक फॉलो करेंगे गांधी जी ने यह बात सुनकर कहा कि अब तो मान लो हम चंपारण की लड़ाई जीत गए यहां पर वो पूरी प्लान व्लान बना रहे थे कौन कैसे जेल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में जाकर पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस ही ड्रॉप करवा दिया गांधी जी आजाद है कोई कहीं प्रिजन विजन नहीं जा रहा इस केस की जरूरत ही नहीं है प्रिजन जाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो गवर्नर ने ड्रॉप ही कर दिया केस गांधी जी आजाद हो गए थे और क्योंकि अब वो आजाद हो गए थे वो फुल स्विंग में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे उनकी फुल स्विंग में इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और ये जो इन्वेस्टिगेशंस थे इन इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आ रहे थे दस हजार देखो एविडेंसेस एविडेंसेस एविडेंसे, दस हजार पेजेंट्स के बयान ठीक है डॉक्यूमेंट्स इतने सारे एविडेंसेस हो गए थे कि अब तो ये बात आसानी से प्रूव हो सकती थी कि कितना ज़्यादा यू नो पागल बनाया था कितना ज़्यादा चाल खेली थी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमारे पेजेंट्स के साथ में इन चीज़ों को देखते हुए गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुला लिया इसके बाद में चार लंबे चौड़े इंटरव्यूज हुए और उन इंटरव्यूज का नतीजा ये निकला कि एक कमीशन बनाई जाएगी जो कमीशन ये देखेगी कि आखिरकार माजरा क्या है कमीशन में एक तरफ लैंडलॉर्ड बैठ जाएंगे दूसरी तरफ गांधी जी बैठेंगे जो कि पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बैठ जाएंगे अब यहाँ पर ये इन्होंने पूरा जो कमीशन बनाया था जब ये कमीशन बैठी तो नतीजा ये निकला कि लैंड लॉड्स यहाँ पर ऑफकोर्स यू नो हार चुके थे लैंड लॉड्स को पता चल चुका था कि उनकी चोरी अब पकड़ी गई है तो उन्होंने कहा भाई हमें ये बता दो कि हमें कितना पैसा तुम्हें देना चाहिए उन्होंने सोचा गांधी जी सौ पैसा वापस मांगेंगे पर गांधी जी ने कहा कि आप हमें कितना रिफंड दे दो गांधी जी ने बोला फिफ्टी रिफंड हमें दे दो गांधी जी आस्ट फॉर फिफ्टी परसेंट रिफंड उन्होंने फिफ्टी परसेंट रिफंड मांगा और यहां पर नेगोशिएशन पे आके हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा कि हम पच्चीस परसेंट रिफंड ही देंगे ये गांधी जी ने मांगा था और ये पच्चीस परसेंट रिफंड था लैंड का उन्होंने सोचा कि ये नेगोशिएशन में बात कोर्ट में जाएगी बट गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये बात कोर्ट में जाए तो 25 परसेंट रिफंड पे सारे लोग अग्री कर दिए इंक्लूडिंग गांधी और 25 परसेंट रिफंड हम लोगों को मिल गया ना तो सिर्फ यहाँ पर 25 परसेंट रिफंड मिला था पर उनका प्रेस्टीज भी मिला था फायदे की बात यह है कि इस पूरे डील से हमारे जो पेजेंट्स हैं वो आज़ाद हुए थे अपने डर से अब वो लड़ना जानते थे अपने हक़ के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इतने सालों के बाद में गांधी जी के जो डिसीजंस है वो जस्टिफाई तो तब हो गए जब ये सारे लोग शर्म की वजह से वहाँ रह ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने ये एस्टेट्स अबैंडन कर दिए हमारी जो धरती थी वो हमें वापस मिल गई गांधी ने अग्री किया अग्री करते ही हमें ट्वेंटी फाइव परसेंट रिफंड मिला हमें उनकी प्रेस्टीज का टुकड़ा मिला और इसके साथ में पेजेंट्स भी फ्री फ्रॉम फियर हो गए और इसके एडिशन के अंदर हमारे एस्टेट्स हमें वापस मिल गए तो ये ये चीज आपको पता है ऐसे नहीं हुई थी गांधी जी वहां पर आए थे चंद दिनों के लिए बट एक्चुअली गांधी जी यहां पर साल भर के लिए रह गए थे सोचो साल भर के लिए ये सब कुछ जो हो रहा था इसकी वजह से ये सब कुछ गांधी के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था गांधी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जीवन के अंदर उन्हें कभी भी एक साल एक ऐसी जगह पर बिताना पड़ेगा जिसकी जहाँ पर वो शायद न जाने बस आई थिंक मैं ये लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी तीन चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहाँ पर उन्होंने कुछ, सा, कुछ साल कुछ साल कुछ दिन आने का सोचा था वहां पर वो पूरा एक साल रह गए ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मॉडर्न इंडिया में ट्राइम कर रहा है कैसे अगर हम लोग सब साथ में रहेंगे तो हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हरा सकते हैं तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ और उसके बाद में हमें पता चलता है कि यही था टिपिकल गांधी पैटर्न गांधी जी हमेशा बड़े बड़े पोलिटिकल डिसीजनस और इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे वो हमेशा ये चाहते थे कि हर एक इंसान को हर एक इंडियन को फ्री किया जाए डे टू डे इश्यूज को सॉल्व किया जाए क्योंकि अगर एक एक भारतीय फ्री होगा तो भारत अपने आप में पूरा ही फ्री हो जाएगा तो वो हमेशा इस बात पर बिलीव करते थे और इसीलिए जब उन्होंने सोशल और आ, 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 सोशल बैकवर्डनेस देखी सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस देखी चंपारण में तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जब देखी उन्होंने तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो टीचर्स लेके आए स्कूल्स खुलवाए देवदास जो कि उनका बेटा था सबसे छोटा और मिसेस गांधी भी आए वो आश्रम रूल्स रेगुलेशन सैनिटेशन सिखाने लगे एक डॉक्टर को लेकर आए जो छह महीने के लिए यहाँ पर अपनी सर्विसेज देगा और मेडिसिन लेकर आए ताकि इन सारे लोगों की बीमारियों का भी इलाज किया जा सके उन्होंने तो यहाँ पर ये भी देखा कि कितनी बुरी हालत में औरतें हैं कैसे कपड़े उन लोगों ने पहने हुए हैं ठीक है और उन्होंने को बोला यार जाकर इनसे बात करो तो पता चला साड़ी नहीं है पहनने के लिए so बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है बट उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी इसको हटाने की जब तक वो यहाँ पर थे और ये सब संभाल रहे थे उन्होंने आश्रम पर भी पूरी नजर रखी ठीक है एंड देन इसके बाद में जब ऑफकोर्स ये एपिसोड कि हम एंड में जाते हैं तो गांधी जी हमें बताते हैं कि यार जब इस एपिसोड में हम थे तो मेरे को एक बात और याद आती है और वो बात याद आती है मुझे चार्ल फ्रियर की सी एफ एंड्रयूज़ बोला मेरे को इसकी बात याद आती है कि एक बार ये मेरे पास आए थे इस पूरे चंपारण एपिसोड में मुझे फेयरवेल देने के लिए तो जब भी मेरे पास आए बिकॉज ये फिजी आइलैंड जा रहे थे तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्यों ना चार्ल्स फिर एंड्रयूज़ हमारे साथ रह जाए क्यों ना वो यहाँ पर चंपारण में रुक जाए तो इतने में एंड्रयूज ने कहा कि वो रुकने को तैयार है अगर गांधी कहते हैं ऐसा तो पर गांधी जी ने गांधी जी इनके इंटेंशंस को समझ गए थे और गांधी जी ने उन्हें डांटा उन्हें कहा कि अगर हम लोग सच के साथ हैं तो हमें किसी के कांधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है अगर हम सच के साथ में खड़े हुए हैं तो हमारी ही जीत होगी तो हमें किसी और के ऊपर इस तरीके से आ, ब, यू नो डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो उतना काफी है आप ये जो कर रहे हो वो ये बुजदिली दिखाता है जो में नहीं होनी चाहिए उन्होंने गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को और हम सबको इसके थ्रू सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया कि हम लोगों को कैसे सिर्फ अपने बुझाओं पर यकीन होना चाहिए किसी और पर यकीन करने से कुछ नहीं होगा ऑल राइट इसके साथ में ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है तो मैंने इंडिगो भी करा दिया है तीन चैप्टर अभी भी रह रहे हैं बट मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आप में भी जान नहीं बची है और मेरे में तो ऑफकोर्स uh, मेरे को तो एनी वे थ्रोट इशू है ही तो uh, ये जो तीनों चैप्टर हैं ये तीनों चैप्टर इसके एक्सटेंडेड पार्ट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कंप्लीट कर देंगे इसको भी देखो यार मैं चाहती थी कि साथ साथ में हम नोट्स भी बना लें और अगर हम साथ में नोट्स बना लेंगे तो अच्छा खासा यू नो रिविजन हो जाएगा मैं नहीं चाहती थी कि मैं समरी दूँ और घास काट के चल जाऊँ ठीक है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पांचों चैप्टर जो है पूरा मान लीजिए जो भी कीवर्ड्स थे, से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एनसीईआरटी की एक एक चीज़ लिखकर और आपको बता दिया है ठीक है तो नेक्स्ट जो पार्ट है क्योंकि अब तो मेरा टीम से भी फ़ोन आ गया उन्होंने कहा मैम बस कर दो अब <laughs> बोलो मैम आप बच्चों पर रहम करो और ख़ुद पर भी रहम करो अब थोड़ा तो थोड़ा रहम दिखाते हुए ये पॉइस एंड पैन इंटरव्यूज़ और गोइंग प्लेसेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज पांच चैप्टर्स आपने कर लिए इनको रिवाइज़ करो नोट्स मैं आप लोगों को भी भेज रही हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एक बहुत ही कमाल का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है संकल्प प्रो जो कि आपको एडमिशन दिला सकता है आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में देखो यार अगर आप ऑलरेडी एक संकल्पियन हो और आप सी लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करना है संकल्प प्रो में और आप आराम से C.U.E.T. टी हमारे साथ में प्रिपेयर कर सकते हो और अगर आप अभी संकल्पित नहीं बने हो और अगर आप कोई एक ऐसा बैच ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके क्लास ट्वेल्थ का रिविजन तो हो ही जाए पर इसके साथ में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे C.U.E.T. की पढ़ाई करने का भी मौका मिल जाए तो संकल्प प्रो आपके लिए बैच है और अभी मौका और दस्तूर भी है क्योंकि आज आपको सेल भी लाइव मिल जाएगी जहां आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आपने सिर्फ और सिर्फ कोड लगाना है और उस कोड से उस कूपन कोड से आपको आपका डिस्काउंट मिल जाएगा और वो कूपन कोड है एस डी सी एटीन आप इस कोड को लगा दीजिए और इससे आपको आपका डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा ट्वेंटी परसेंट तो आप ना तो सिर्फ हमारे साथ में बैठ कर रिविजन कर पाएंगे और साथ ही साथ में सी यू ई टी की तैयारी टाइमली मैनर में एकदम अच्छे से कर पाएंगे ताकि आपका सपना आपके अपने कॉलेज में आपके पसंदीदा कॉलेज में जाने का पूरा हो सके ठीक है ऑल राइट right? चलो अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच बच्चों आज ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच आई होप यू इन्जॉयड द लेक्चर एंड आई शेयर द पी डी एफ विथ यू है ना Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.